हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगेड और आज के इस वीडियो में बेटा हम जो 12th स्टैंडर्ड है कॉमर्स क्लास उसका चैप्टर नंबर 8 बिजनेस स्टडी का जिसका नाम है एडवर्टीजमेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी बिजनेसमैन यदि अपना प्रोडक्ट गुड्स या सर्विसेज जो भी हैं उनको ज्यादा मात्रा में बेचना चाहता है, सेल्स को प्रमोट करना चाहता है, ज्यादा प्रॉफिट करना चाहता है, तो उसे टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट का, अपने गुड्स और सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। अब एडवर्टीजमेंट जब करता है तो उससे क्या होता है कि एक लार्ज नंबर जो कस्टमर्स है उनको अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है उनका पता चलता है। और जैसे ही कस्टमर्स को इसके बारे में नॉलेज होता है तो वो अपना माइंडसेट उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए फिक्स कर चुके होते हैं। तो कुछ इस तरह के एडवर्टीजमेंट के फायदे होते हैं जो कि एक बिजनेसमैन को फ्यूचर में मिलते रहते हैं। यदि हम एडवर्टीजमेंट की मीनिंग की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है। एडवर्टीजमेंट इज ए पेड एंड नॉन पर्सनल प्रमोशन। मतलब यह है बेटा कि जब भी एडवर्टीजमेंट किया जाता है तो बिजनेसमैन को एडवर्टाइज्ड कंपनी जो है उसको कुछ पेमेंट करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करवाने के लिए। और इसको नॉन पर्सनल इसलिए कहा गया है कि जो बिजनेसमैन है वो पर्सनली कस्टमर्स के पास में जाके अपने नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं देता है। मतलब बिजनेसमैन और जो कस्टमर्स हैं वो फेस टू फेस बातें नहीं करते हैं या फेस टू फेस आमने सामने नहीं होते हैं। और इसमें प्रमोशन किसका किया जाता है? आइडियाज का। मतलब जो भी चीज आपने प्रोडक्ट में डालना चाह रहे हैं उसके बारे में एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर को एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताना चाहता है और जो गुड्स और सर्विसेज है उनका प्रमोशन भी किया जाता है। ऑफ एन आइडेंटिफाइड बिजनेसमैन। और हाँ बेटा, एक चीज का आप ध्यान रखना कि जब भी हम किसी भी गुड्स और प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई आइडेंटिफाइड बिजनेसमैन होता है। तो मतलब ये है बिजनेसमैन ही वो व्यक्ति है जिसके की गुड्स और सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट किया जाता है विद एन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट डिमांड। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है एडवर्टीजमेंट का? यही उद्देश्य होता है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज है उनकी वो डिमांड क्रिएट कर सके, उनकी डिमांड को बढ़ा सके। और जो ये एडवर्टीजमेंट है ना, ये टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सिनेमा हॉल के थ्रू किया जा सकता है। और एडवर्टीजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की जो पिक्चर है वो भी दे सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की पिक्चर के साथ साथ में उसमें कुछ म्यूजिक भी ऐड करवा सकते हैं ताकि एडवर्टीजमेंट देखते समय कस्टमर को बोरियत फील न हो। और इसी के साथ में आप ग्राफिक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट एक पेड फॉर्म होता है, उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, नॉन पर्सनल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो बिजनेसमैन और कस्टमर है वो फेस टू फेस नहीं रहते हैं। और इसमें किस चीज का एडवर्टीजमेंट किया जाता है? गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज का। इसी के साथ एडवर्टीजमेंट का मेन एम होता है कि वो अपने प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड क्रिएट कर सके। एडवर्टीजमेंट जो होता है वो टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सिनेमा हॉल के थ्रू किया जाता है। एडवर्टीजमेंट में हम प्रोडक्ट के पिक्चर और ग्राफिक्स का इस्तेमाल करने के साथ साथ में हम म्यूजिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम बात करें एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन के बारे में तो बेटा मैंने यहाँ पर व्हीलर की डेफिनेशन को लिया है। तो व्हीलर ने कहा है कि एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो एडवर्टीजमेंट है वो इम्पर्सनल रिप्रेजेंटेशन होता है किनका? गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज का। मतलब वहां पर बिजनेसमैन कस्टमर्स के सामने अपने नए प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताता है। यह जो एडवर्टीजमेंट है वो टीवी, मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट या न्यूज़पेपर के थ्रू किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ मोटिवेटिंग पीपल टू बाय। और इसका जो पर्पज है, एडवर्टीजमेंट का जो पर्पज है वो यही होता है कि वो अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट कर सके, एनकरेज कर सके, उनको खरीदने के लिए परसुएट कर सके, फॉर विच पेमेंट इज मेड। और एडवर्टीजमेंट करने के लिए पेमेंट जरूर किया जाता है एडवर्टाइजिंग कंपनी को बिजनेसमैन के द्वारा। अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट के करेक्टरिस्टिक्स की, मतलब इसकी विशेषताओं की, तो बेटा मैंने इस वीडियो में आपको एडवर्टीजमेंट के 7 करेक्टरिस्टिक्स को समझाया है। उसमें जो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है वो है नॉन पर्सनल। एडवर्टाइजिंग इज अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, वो गुड्स और सर्विसेज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। और कैसा माध्यम होता है? नॉन पर्सनल। मतलब इसमें जो बिजनेसमैन है या जो सेल्समैन है वो खुद जाकर कस्टमर्स के सामने नए प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताते हैं।
अगर हम बात करें सेकंड फीचर की तो वो है पेड फॉर्म। एडवर्टाइजिंग इज ए पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो एडवर्टीजमेंट है वो कम्युनिकेशन का पेड फॉर्म है। पेड फॉर्म का मतलब यहाँ पे है कि यदि बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करवाना है तो बिजनेसमैन को कुछ ना कुछ अमाउंट एडवर्टाइजिंग कंपनी को पे करनी होती है। और जो भी एडवर्टाइजर है, मतलब यहाँ पर जो बिजनेसमैन है, एडवर्टाइज करने वाला जो व्यक्ति है, हैज टू पे फॉर द स्पेस और टाइम। तो बेटा उस बिजनेसमैन को, जैसे मान लीजिए वो न्यूज़पेपर में या मैगजीन में अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करवा रहा है, तो जितनी जगह वहाँ पर उसका एडवर्टाइज घेरेगा उसके हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि वो टेलीविजन या इंटरनेट के थ्रू अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करवा रहा है तो जितने टाइम तक उसका एडवर्टाइज टीवी पर या रेडियो पर रन करेगा तो उस टाइम के अकॉर्डिंग उसे पेमेंट करना पड़ता है। यदि हम बात करें थर्ड फीचर की तो वो है फॉर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब एडवर्टीजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है। एडवर्टीजमेंट कैन बी एज फॉलो, भाई एडवर्टीजमेंट जो होता है वो कई रूपों में हमें देखने को मिल सकता है। एडवर्टीजमेंट ओरल रूप में भी किया जा सकता है, मौखिक रूप से भी, जहाँ पर कि हम पिक्चर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो वो है रेडियो। इसी तरह से अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो रिटर्न भी हो सकता है, और रिटर्न का मतलब न्यूज़पेपर और मैगजीन में यदि प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है तो वो रिटर्न फॉर्म में होगा। यदि आप विजुअल इफेक्ट्स लाना चाहते हैं, मतलब आप वहाँ पर वीडियो का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो टीवी और इंटरनेट इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर हम फोर्थ फीचर की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्स। तो बेटा ध्यान रखना, एडवर्टीजमेंट करना है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्पॉन्सर्स जरूर होता है, और स्पॉन्सर वही व्यक्ति या वही बिजनेसमैन या वही सेलर होता है जो कि अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है। तो देयर इज ऑलवेज ए स्पॉन्सर फॉर एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग करवाने के लिए एक स्पॉन्सर का होना जरूरी है, फॉर हुज प्रोडक्ट इट इज डन, जिसके की प्रोडक्ट के लिए ये विज्ञापन किया जा रहा है। सो हियर A businessman or seller can be the sponsor for the advertisement. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई advertisement के लिए एक businessman या जो seller होते हैं ना, wholesaler या retailer, वो अपने advertisement का sponsor कर सकते हैं। Sponsors pay for advertisement, और ये वही लोग होते हैं जो कि advertisement के लिए payment करते हैं advertising company को। अगर हम बात करें फिफ्थ फीचर की तो उसमें है मीडियम, मतलब जो एडवर्टीजमेंट है वो किन किन के थ्रू किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स लिखे हैं। प्रेस के माध्यम से भी करवा सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन वगैरह, इसी तरह से रेडियो है, टीवी है, सिनेमा हॉल है, इंटरनेट है। तो ये काफ़ी मीडियम होते हैं या काफ़ी मीडिया होते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए, जिनका कि आप इस्तेमाल अपनी सुविधानुसार और अपने बजट के अनुसार कर सकते हो। अगर हम बात करें सिक्स्थ फीचर की तो वो है बेटा मास कम्युनिकेशन। बेटा मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो एडवर्टीजमेंट है वो बहुत से कस्टमर्स को एक साथ एक ही समय पर अट्रैक्ट करता है अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। तो थ्रू एडवर्टीजमेंट ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी इन्फॉर्म्ड। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो एक बहुत बड़ी संख्या में जो कस्टमर्स हैं उनको सूचित किया जा सकता है अबाउट अपकमिंग प्रोडक्ट ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का जो नया आने वाला प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी एक बहुत बड़ी संख्या में कस्टमर्स को दी जा सकती है, और इसीलिए इसको मास कम्युनिकेशन का एक सोर्स कहा गया है। अगर हम बात करें सेवंथ फीचर की तो बेटा यहाँ पर पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट में डिफरेंस बताया गया है, मतलब आप ये ना समझे कि जो एडवर्टीजमेंट है वो पब्लिसिटी होती है। तो बेटा एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो कम्प्लीटली पब्लिसिटी से डिफरेंट होता है, और वो जो डिफरेंस है मैंने आपको दो पॉइंट्स में समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट है बेटा, पब्लिसिटी इज ए नॉन पेड एंड एडवर्टीजमेंट इज ए पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेटा जैसे आपको पता है पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है, प्रचार प्रसार करना, और इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आपने देखा होगा माउथ पब्लिसिटी। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है तो उससे ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाई है ना, तो जो बहुत सारे कस्टमर है अगर अपने मुंह से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में लोगों को बताएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। इसलिए बेटा पब्लिसिटी के लिए कंपनी को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, वो कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन पर डिपेंड है। यदि कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है तो वो दो चार कस्टमर को और कहेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट ले लो, ये बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की तो पब्लिसिटी इज अर्नड वेयर एज एडवर्टीजमेंट इज डन। बहुत ही शानदार बात कही है बेटा यहाँ पे कि जो पब्लिसिटी है ना वो कमाई जाती है जबकि एडवर्टीजमेंट किया जाता है, मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा करना पड़ता है। भाई अगर आपने बहुत सारे कस्टमर को अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई किया है, कन्विंस किया है, तो इसका मतलब आपने उनका विश्वास जीता है, और इसी विश्वास के बलबूते पर जो कस्टमर्स है आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी फ्री में कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पब्लिसिटी इज अर्नड, पब्लिसिटी कमाई जाती है भाई विश्वास के बलबूते पर। एडवर्टीजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना उनके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो बिजनेसमैन है वो अपना प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट क्यों करता है। भाई उसका मेन मकसद तो यही होता है ना कि एडवर्टीजमेंट करने के बाद में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ में उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी भी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट क्यों किया जाता है, मतलब एडवर्टीजमेंट का ऑब्जेक्ट आखिरकार क्या होता है। तो चलिए बेटा अब वीडियो शुरू करते हैं। यदि हम एडवर्टीजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखें तो बेटा यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपके लिए एडवर्टीजमेंट के ये जो 10 ऑब्जेक्टिव्स है ना वो लिखे हैं। इन 10 पॉइंट को हम बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा यदि हम देखें कि एडवर्टीजमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स को बढ़ाना, उसके बाद में जो कस्टमर्स है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बिल्डअप हो। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये है कि भाई कोई नए मार्केट में आप एंटर करना चाहते हो तो उसमें भी आपकी जो एडवर्टीजमेंट है बहुत मदद करता है। यदि हम बात करें कि जो मिडिल मैन होते हैं होलसेलर और जो ट्रेडर्स होते हैं उनको भी एडवर्टीजमेंट बहुत हद तक अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट है एजुकेट कस्टमर। भाई एडवर्टीजमेंट का मतलब ये नहीं है कि सेल्स ही हम बढ़ा देंगे, एडवर्टीजमेंट कस्टमर्स को नॉलेज भी प्रोवाइड करवाता है। इसी के साथ में हम देखें तो सिक्स्थ पॉइंट है बेटा डेवलप ब्रांड लॉयल्टी। सेवंथ है टू क्रिएट रिपीटेड बाइंग हैबिट। एट्थ है टू ओवरकम कंपटीशन। नाइन्थ है टू एनहेंसिंग गुडविल। इसी तरह से टेंथ है टू रीच इन एक्सेसिबल पीपल। तो ये जो सभी ऑब्जेक्टिव्स है ना, 10 जो ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने दिख रहे हैं, अब इनको हम बड़ी बारीकी से और बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं ताकि आपको हर पॉइंट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। यदि हम एडवर्टीजमेंट के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है टू इंक्रीज सेल्स। मतलब ये है बेटा कि जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का तो उसका अल्टीमेट उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स को बढ़ाना। अब ये पॉसिबल कैसे है तो चलिए इसके लिए हम पढ़ते हैं। The first and last objective of advertising is to create a desire for the product in customers' mind to buy the product by informing them about the usefulness of the same. तो बेटा जो last और जो first objective होता है किसी भी advertisement का वो ये होता है कि भाई customers के दिमाग में किसी भी product को लेकर उसकी इच्छा जगाई जाए, और इस इच्छा को जगाने के लिए जो भी advertisement है वो customers को inform करता है अपने आने वाले नए प्रोडक्ट के बारे में, और जो नया प्रोडक्ट है वो कस्टमर के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है इन चीजों की भी जानकारी देता है। तो इस तरह से एक बार यदि डिजायर क्रिएट हो गई तो फिर कस्टमर चाहेगा कि मैं उस प्रोडक्ट को खरीदूं, और उसके लिए बेटा वो क्या क्रिएट करेगा, डिमांड। यदि भविष्य में जाकर वो डिमांड आगे ज्यादा बढ़ती है तो अल्टीमेटली बिजनेसमैन का जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स जरूर बढ़ेगी। यदि हम दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो है क्रिएटिंग न्यू कस्टमर्स। अ नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी अट्रैक्टेड थ्रू अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट। तो बेटा देखो बहुत सारे जो नए कस्टमर्स हैं वो कैसे जुड़ पाते हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तो उसमें भी योगदान होता है एडवर्टीजमेंट का। किसी भी प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट होता है वो काफी अट्रैक्टिव होता है और ये नए कस्टमर्स को जोड़ने की काफी हिम्मत रखता है। अब वो कैसे, तो देखो फर्स्ट पॉइंट में समझाया मैंने, कस्टमर्स वॉन्ट्स टू यूज द प्रोडक्ट फॉर ट्राई बेसिस। तो बेटा सबसे पहले आपने किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी बिजनेसमैन ने अगर एडवर्टीजमेंट कर दिया है तो जो कस्टमर्स हैं पहले तो ये कोशिश करेंगे कि भाई चलो इस प्रोडक्ट को हम खरीद लेते हैं ट्रायल बेसिस पे, मतलब उसको यूज करने की वो कोशिश करते हैं। इफ द प्रोडक्ट सेटिस्फाइड देयर नीड, और यूज करने के बाद में कस्टमर को ये फील होता है कि ये प्रोडक्ट काफी सेटिस्फैक्ट्री है तो उसके बाद में दे जॉइन देमसेल्व्स विद दैट कंपनी, तो वो उस प्रोडक्ट की कंपनी के साथ में लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। और सेकंड है बेटा रिपीटेड एडवर्टीजमेंट इज रन ऑन टीवी। अगर नए कस्टमर्स को आपको जोड़ना है तो बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट है वो टीवी या इंटरनेट पर रेगुलर बेसिस पे चलवाना चाहिए, जैसे दिन में 2 बार 3 बार या पूरे महीने तक उसको जो अपना एडवर्टीजमेंट है टीवी पर चलाना चाहिए। यदि किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट एक से ज्यादा बार लोगों की नजरों के सामने आता है तो वो फाइनली अपना मूड बना ही लेते हैं कि चलो आज इस प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करके देखते हैं। तो इस तरह से यदि आप अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपके नए कस्टमर जुड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर हम थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है बेटा टू एंटर इन न्यू मार्केट। To enter in a new market, a businessman use advertisement. तो किसी भी नए बाजार में उतरने के लिए एक जो कंपनी वाले होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं वो एडवर्टीजमेंट का बहुत हद तक इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे,
तो इसमें बेटा मैंने आपको दो पॉइंट्स के थ्रू इस पॉइंट को समझाने की कोशिश की है। तो फर्स्ट पॉइंट है एडवर्टीजमेंट एम इज टू चेंज कस्टमर्स ओल्ड कंज्यूमिंग हैबिट। तो बेटा किसी भी प्रोडक्ट का नया एडवर्टीजमेंट आता है तो उसका उद्देश्य यही होता है, जो कस्टमर्स पुराने प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे थे तो बेटा एडवर्टीजमेंट क्या करता है, उस प्रोडक्ट को हटाकर अपना नया प्रोडक्ट पेश करने की कोशिश करता है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो एडवर्टीजमेंट टेल द प्रपोज्ड कस्टमर्स, तो जो एडवर्टीजमेंट है वो अपने जो संभावित कस्टमर्स हैं, मतलब ऐसे कस्टमर जो आपके अब तक नहीं बने हैं लेकिन संभावना है कि वो कस्टमर्स आपके बन जाएंगे नियर फ्यूचर में, टू यूज देयर न्यू एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट। तो एडवर्टीजमेंट इन प्रपोज्ड कस्टमर्स को ये कहता है कि भाई हमने मार्केट में एक नया और एक इम्प्रूव्ड और क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया है और वो भी सस्ते दामों में, तो आप इसको इस्तेमाल करिए। तो इस तरह से यदि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हैं तो आप इजीली उस नए मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा टू अट्रैक्ट मिडिलमैन। तो मिडिलमैन को ये एडवर्टीजमेंट कैसे अट्रैक्ट करता है, तो चलिए इसी के बारे में हम देखते हैं। इट्स एन इजी टास्क फॉर मिडिलमैन टू सेल एडवर्टाइज्ड गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी। तो देखो जो भी मिडिलमैन होते हैं ना, होलसेलर और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है ऐसे प्रोडक्ट को बेचने में जिस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट पहले से किया जा रहा है, और ऐसे प्रोडक्ट को वो ज्यादा मात्रा में बेच भी सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। सो मिडिलमैन प्रिफर टू बाय एंड सेल एडवर्टाइज्ड गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। तो जो मिडिलमैन होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, प्रोड्यूसर होते हैं या जो बिजनेसमैन होता है, उससे वही प्रोडक्ट खरीदते हैं और बेचते हैं जिसका कि उस मैन्युफैक्चरर ने पहले एडवर्टाइजमेंट किया हुआ हो, क्योंकि उससे उनको क्या है, थोड़ी सहूलियत मिल जाती है। कई बार क्या होता है, जिस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया हुआ होता है तो वो प्रोडक्ट बहुत कम बिकता है, और जो नया बिका हुआ प्रोडक्ट है वो दुकानदार की दुकान में फालतू में जगह घेरता है, तो वो ऐसे ही प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे, ज्यादा महत्व देंगे जिसका कि पहले एडवर्टीजमेंट किया जा चुका है। तो इस तरह से जो एडवर्टीजमेंट है वो मिडिलमैन को भी अट्रैक्ट करता है। अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की तो वो है टू एजुकेट कस्टमर्स। तो बेटा सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि एडवर्टीजमेंट का मकसद केवल ये नहीं होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की सेल बढ़ा दो और जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट कमाता रहेगा। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है एडवर्टीजमेंट का, वो होता है कस्टमर्स को एजुकेट करना अपने नए प्रोडक्ट के बारे में। तो एडवर्टाइजिंग ऑल्सो एजुकेट द कस्टमर्स इन फॉलोइंग वे। तो देखो एडवर्टीजमेंट जो है वो कस्टमर्स को इन तरीकों से एजुकेट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स। तो बेटा जो कस्टमर्स होते हैं ना, उनको एक जो मैन्युफैक्चरर है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है, एंड इट आल्सो टेल हाउ टू यूज। और एडवर्टाइजमेंट में वो सभी सूचनाएं दी जाती हैं या सभी बातें बताई जाती हैं कि इस नए प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। इसी के साथ में इट टेल अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इसी के साथ में जो प्रोडक्ट की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या क्वालिटीज हैं, वो सब जानकारी बेटा एक जो एडवर्टीजमेंट है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाता है। तो इस तरह से कस्टमर्स के दिमाग में नए प्रोडक्ट को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है और उसको नए प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी पता होती है। यदि हम एडवर्टीजमेंट के सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है बेटा टू डेवलप ब्रांड लॉयल्टी। अब देखो जो ब्रांड बनता है ना किसी भी प्रोडक्ट का, मतलब जान पहचान ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, तो वो कैसे पॉसिबल होता है, मतलब ये जो ब्रांड लॉयल्टी है ना वो कैसे डेवलप होती है, तो इसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं इफ प्रोडक्ट इज हैविंग गुड क्वालिटी। तो बेटा सबसे पहली कंडीशन ये है कि यदि प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी है एंड इज बीइंग एडवर्टाइज्ड रेगुलरली, और उसका एडवर्टाइजमेंट रोजाना रेगुलर तौर पर किया जा रहा है, तो मैनी कस्टमर्स स्टार्ट टू बाय सच गुड्स। तो बहुत से ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि इस तरह के गुड्स को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। और बेटा एक शर्त इसमें ये है कि जो गुड्स की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपके जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार है तो आप क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट कर देंगे। हो सकता है जो कस्टमर है वो पहली बार तो खरीद लेगा लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी तरह से रीचेबिलिटी विल इंक्रीज अमंग लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, और इस तरह से बहुत बड़ी संख्या में जो कस्टमर्स होते हैं वहां तक उस प्रोडक्ट की रीचेबिलिटी मतलब पहुंच बन पाती है। दे विल बी कॉन्फिडेंट एंड सेटिस्फाइड कंज्यूमिंग गुड्स, और इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, इस तरह के जो गुड्स होते हैं, उनको कंज्यूम करने में वो अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं और साथ ही साथ में उससे संतुष्ट भी रहते हैं। तो इस तरह की जब सब चीजें अच्छी हो जाती है कस्टमर्स के साथ में, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदा है, उसको कंज्यूम करने के दौरान
वो काफी आश्वस्त रहते हैं और संतुष्ट भी रहते हैं। तो इस तरह से जो ब्रांड लॉयल्टी है विल डेवलप इन द मार्केट, वो मार्केट में धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक इसी तरह से हम सेवंथ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है टू क्रिएट रिपीटेड बाइंग हैबिट। तो जो कस्टमर्स होते हैं उनके बीच में वो ऐसी आदत डाल देता है कि वो उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बार बार खरीदने की कोशिश करते हैं। और ये पॉसिबल कब है तो इसके लिए हम पढ़ते हैं इसको, एडवर्टाइजिंग इज नॉट डन वन टाइम, इट इज गोइंग ऑन रिपीटेडली। तो जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो कोई भी प्रोड्यूसर एक ही बार नहीं करता है, ये जो एडवर्टीजमेंट है वो रिपीटेडली चलता रहता है टीवी या इंटरनेट पर। तो बेटा होता ये है कि 2 or 3 times a डे एडवर्टीजमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इज शोन ऑन टीवी एंड इंटरनेट। तो जो एडवर्टीजमेंट है ना वो टीवी और इंटरनेट में दिन में 2 or 3 times या इससे भी ज्यादा बार दिखाया जाता है। दैट मोटिवेट कस्टमर्स, स्पेशली जो बच्चे होते हैं ना, क्योंकि आपको पता है जो बच्चे होते हैं वो घर पे ज्यादा रहते हैं और अभी तो वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है तो सभी बच्चे और बूढ़े लोग हैं वो घर पे बैठे रहते हैं। तो जब वो एडवर्टीजमेंट टीवी देखने के दौरान उनके सामने बार बार आता है तो वो उस गुड्स को बार बार खरीदने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि भाई एक बार एडवर्टीजमेंट आया तो उन्होंने गुड्स को नहीं खरीदा, लेकिन जब वही एडवर्टीजमेंट दिन में बार बार रिपीट होता है तो एक बार तो वो कस्टमर जरूर सोचता है कि चलो यार इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। और यदि वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का निकल आया तो बेटा वही प्रोडक्ट वो बार बार खरीदेंगे। ठीक इसी तरह से यदि हम 8th point की बात करें, टू ओवरकम कॉम्पिटिशन, एडवर्टीजमेंट बिल्ड्स रेगुलर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग गुड क्वालिटी। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनकी अच्छी क्वालिटी है तो उनकी जो डिमांड है वो रेगुलर बनाए रखता है। और कौन रेगुलर बनाए रखता है? एडवर्टीजमेंट। रेगुलर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट हेल्प्स द बिजनेसमैन टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर रेगुलर डिमांड बढ़ती रहेगी तो इस तरह से सेल्स भी बढ़ेगी, और सेल्स भी बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये सभी चीजें एक बिजनेसमैन को मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करने में मदद करती हैं। और इस तरह से बेटा जो एक बिजनेसमैन है वो इजीली कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने पैर पसार सकता है, मतलब ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में लंबे समय तक रह सकता है। लेकिन शर्त यहाँ पे फिर है कि आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और साथ साथ में यदि सस्ता भी हो तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। इसी तरह से यदि 9th point की बात करें तो वो है टू एनहेंस गुडविल, एडवर्टीजमेंट ऑल्सो प्रोमिसेस टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर। तो एडवर्टीजमेंट में ये भी प्रोमिस किया जाता है कस्टमर्स को कि जो भी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा वो बेटर क्वालिटी का होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। और अगर वास्तव में वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का निकलता है तो दिस बिल्ड्स एंड एनहेंस द गुडविल ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस तरह से बेटा अच्छी क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट होता है ना वो किसी भी प्रोडक्ट की गुडविल को बढ़ाता भी है और उस गुडविल को मार्केट में लंबे समय तक बनाए भी रखता है। यदि हम एडवर्टीजमेंट के लास्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है टू रीच इन एक्सेसिबल पीपल। तो बेटा ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनना, इन एक्सेसिबल पीपल किन के लिए होता है? सेल्समैन के लिए। तो ये कैसे होता है देखते हैं इसको भी। एडवर्टीजमेंट रीचेस टू दोज कस्टमर्स वेयर ए सेल्समैन कैन नॉट रीच। भाई आपको पता तो है ही कि जो सेल्समैन जहां नहीं पहुंच सकता ना वहां पर एडवर्टीजमेंट आसानी से पहुंच सकता है, टीवी इंटरनेट रेडियो इनके थ्रू। So, it makes possible to reach the people who are inaccessible for salesmen. तो जिन कस्टमर्स को सेल्समैन प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है या जहां तक सेल्समैन की रीच पॉसिबल नहीं है तो वहां तक वो एडवर्टीजमेंट उस नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाता है और वो दूर दूर के जो कस्टमर्स हैं वो उस सेल्समैन के पास में आकर वो प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ओनली बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट। सेल्स प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट, इन दोनों में क्या फर्क है इसकी जानकारी हम पूरी डिटेल से लेने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन इन दोनों में डिफरेंस करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो ये रही बेटा आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सी टेबल जिसको कि मैंने बनाने में पूरा 1 घंटा खर्च किया है। बेटा आप मुझे बताइएगा कि ये टेबल आपको कैसी लगी। तो चलिए बेटा हम बात करते हैं पढ़ाई की। तो बेटा ये जो टेबल है आपको एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन इन दोनों में डिफरेंस बताती है। यदि हम 1st point के बेसिस पे एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन में डिफरेंस करना चाहें तो वो है बेटा मीनिंग। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स थ्रू टीवी रेडियो प्रिंटिंग एंड इंटरनेट।
तो बेटा एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि नया जो प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है किसी भी प्रोड्यूसर या किसी भी मैन्युफैक्चरर के द्वारा, तो उसके बारे में जो जानकारी देने का काम होता है वो एडवर्टाइजमेंट करता है। और ये एडवर्टाइजमेंट आप टीवी, रेडियो और प्रिंटिंग मीडिया, मैगजीन, न्यूज़पेपर वगैरह और इंटरनेट पर आसानी से देख सकते हैं। लेकिन सेल्स प्रमोशन की बात करें तो सेल्स प्रमोशन मीन्स टू स्टिमुलेट डिमांड थ्रू शॉर्ट टर्म ऑफर्स एंड इंसेंटिव्स। तो बेटा सेल्स प्रमोशन का मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो कि अभी गोडाउन में रखा हुआ है या शॉपकीपर के पास है, तो उसकी अगर हमें डिमांड स्टिमुलेट करनी है, स्टिमुलेट का मतलब होता है बढ़ाना, और ये डिमांड शॉर्ट टर्म ऑफर्स और इंसेंटिव्स के थ्रू बढ़ाई जाती है, सो दैट कस्टमर्स कैन बाय गुड्स क्विकली, ताकि जो कस्टमर है दुकान पर खड़े होकर, यदि वो दुकान पे गए हुए हैं तो वो उनको जल्दी से जल्दी खरीद ले। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो बेटा एडवर्टीजमेंट के जो एग्जाम्पल मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं, जैसे फर्स्ट है आउटडोर एड्स वगैरह, जैसे पोस्टर वगैरह लगाते हैं, इसी के साथ में जो प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह, इन चीजों के माध्यम से भी आप एडवर्टाइज कर सकते हो। यदि सेल्स प्रमोशन के एग्जाम्पल की बात करें तो जो कस्टमर्स होते हैं उनको आप अगर डिस्काउंट वगैरह दे रहे हो, फ्री सैंपल्स दे रहे हो, ताकि वो इंस्टेंटली प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन ले सकें, तो ये सभी जो एग्जाम्पल है सेल्स प्रमोशन में आते हैं। यदि हम बात करें फॉर्म्स की, तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट है वो इम्पर्सनल फॉर्म है। अब ये इम्पर्सनल फॉर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली आकर अपने सेल्स को प्रमोट नहीं करता है, जबकि सेल्स प्रमोशन जो है उसमें हम पर्सनल फॉर्म मानते हैं कम्युनिकेशन का। क्योंकि यदि मान लीजिए सेल्समैन को यदि अपना प्रोडक्ट बेचना है तो वो कस्टमर्स के सामने ही बातें करेगा, और इस तरह से जो कस्टमर और जो सेल्समैन है वो आमने सामने बातें कर सकते हैं, अपनी जो भी कंफ्यूजन है उसको डिस्कस कर सकते हैं। फोर्थ है एक्सपेंसिव। तो बेटा यदि किसी भी बिजनेसमैन को एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना है तो उसे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। सेल्स प्रमोशन में एडवर्टाइजमेंट के कंपैरिजन में बहुत कम खर्चा होता है। मैन्युफैक्चरर अपने सेल्समैन को सेल्स प्रमोशन करने के लिए 5 या 10 हज़ार रुपए ऐसे कुछ अमाउंट दिया करता है, मतलब ये जो अमाउंट होती है वो हजारों में होती है। लेकिन यदि एडवर्टाइजमेंट करना है तो बेटा एडवर्टाइजमेंट के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं मैन्युफैक्चरर के। यदि हम बात करें कम्युनिकेशन, तो जो एडवर्टाइजिंग है वो वन वे कम्युनिकेशन है। अब ये वन वे कम्युनिकेशन क्यों है? क्योंकि मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है तो वो सिंपली एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी जानकारी दे सकता है। जो कस्टमर का फीडबैक है वो नहीं ले पाता है। कस्टमर यदि प्रोडक्ट के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, क्या फीडबैक रखते हैं, तो ये जो जानकारी है मैन्युफैक्चरर को नहीं मिल पाती है। लेकिन सेल्स प्रमोशन जो है वो टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब जो सेल्समैन होता है वो अपना प्रोडक्ट दुकान पे रहकर इंस्टेंटली उनको खरीदवा सकता है या बेच सकता है, और जो भी कन्फ्यूजन है या जो भी कोई प्रॉब्लम है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या फिर उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, तो ये सारी जानकारी कस्टमर इंस्टेंटली सेल्समैन से ले सकता है। तो इसीलिए इसको टू वे कम्युनिकेशन कहा गया है। अगर हम बात करें रीचेबिलिटी, तो जो एडवर्टाइजिंग है वो बहुत बड़ी संख्या में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, जबकि जो सेल्स प्रमोशन है वो कम कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है। अगर हम बात करें ऐसा क्यों है, तो बेटा जो एडवर्टाइजमेंट है वो टीवी पर रन किया जाता है, और जितने घरों में टीवी होगा वो उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। लेकिन सेल्स प्रमोशन की बात करें तो सेल्स प्रमोशन स्पेशली जो दुकान होती है वहीं पर बैठकर सेल्समैन किया करता है, तो दुकान पर जितने भी कस्टमर आएंगे उतने ही कस्टमर उस सेल्स प्रमोशन टेक्निक या उनके ऑफर्स के बारे में जानकारी ले पाएंगे। अगर हम बात करें 7th पॉइंट की, तो वो है क्विक बाइंग। तो बेटा जो एडवर्टाइजमेंट है ना, जिस भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया गया है, तो ऐसे प्रोडक्ट को कस्टमर इंस्टेंटली बाय नहीं कर सकता। लेकिन सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, कस्टमर दुकान पे खड़ा रहता है और जिस भी प्रोडक्ट पर अच्छा डिस्काउंट चल रहा होता है वो उसको तुरंत बाय कर सकता है। यदि हम बात करें इंस्टेंट फीडबैक की, तो बेटा एडवर्टाइजमेंट में कस्टमर्स के द्वारा इंस्टेंट फीडबैक देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो वो एडवर्टाइजमेंट है वो टीवी पर चल रहा होता है, तो आप उसको इंस्टेंट फीडबैक नहीं दे सकते। लेकिन यदि बात करें हम सेल्स प्रमोशन की, तो जो इंस्टेंट फीडबैक है, जो भी प्रोडक्ट के बारे में राय है वो आप तुरंत शॉपकीपर को दे सकते हो। यदि हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है अपने नए प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को जानकारी देना, इसी के साथ में जो फर्म है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जो कंपनी है उसकी गुडविल को बढ़ाना, उसके नाम को रेपुटेट करना। इसी के साथ में यदि सेल्स प्रमोशन की बात करें, तो सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्ट होता है जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट नहीं, जो भी गोडाउन में पड़ा हुआ है या जो शॉप में रखा हुआ माल है,
उसको इंस्टेंट यदि आपको बेचना है तो आप सेल्स प्रमोशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है बेटा एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके रिगार्डिंग आपके मन में जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर पहुंचता रहे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। मेरिट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट के देखने वाले हैं। आखिरकार कोई भी बिजनेसमैन जब भी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करवाता है तो उसे इसके रिगार्डिंग क्या क्या बेनिफिट प्राप्त होने वाले हैं और इसके उसको किस तरह के जो फायदे फ्यूचर में मिलने वाले हैं, तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एडवर्टीजमेंट के जो मेरिट्स है ना वो 7 बेसिस पर देखने वाले हैं, और वो 7 बेसिस हैं इकोनॉमी, एनहेंस कॉन्फिडेंस, मास रीच, एक्सप्रेसिवनेस, इन्फॉर्मेटिव, कन्वीनियंस एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो चलिए बेटा हर एक पॉइंट को अब बड़ी गहराई से और डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। एडवर्टीजमेंट का जो फर्स्ट बेनिफिट हमारे सामने निकल के आता है वो है इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक का मतलब होता है कि सस्ता, मतलब ये जो एडवर्टीजमेंट है एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ही सस्ता माध्यम है अपने प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। हम ये भी जानते हैं बेटा कि यस एडवर्टाइजिंग इज एन एक्सपेंसिव मीन ऑफ प्रमोशन, कि भाई जब भी एडवर्टीजमेंट पर लगने वाला खर्चा होता है उसको हम एक साथ देखते हैं तो बहुत ही बड़ा खर्चा हमारे सामने निकल के आता है। बट When it comes about covering a large number of customers, जब बहुत बड़ी संख्या में कस्टमर्स को कवर करने की बात आती है ना तो इट बिकम्स एन इकोनॉमिक मीन ऑफ प्रमोशन। तो अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने का एक बहुत ही सस्ता माध्यम हमें मिल जाता है। यदि एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो एडवर्टाइजिंग जो एक्सपेंसेस है सपोज करिए कि वो हुआ है 1,00,000 रुपए का। इस खर्चे की बदौलत जो आपके प्रोडक्ट की जानकारी है, आपके प्रोडक्ट का जो प्रमोशन है वो 5,00,000 कस्टमर्स तक पहुंचा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो पर हेड खर्चा है या जो पर कस्टमर के लिए जो हमने एडवर्टीजमेंट करने पर खर्चा लगाया था वो 20 पैसा प्रति कस्टमर था। तो देखा बेटा एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है वो एक कस्टमर के लिए केवल 20 पैसा ही आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है वो हमारे लिए काफी इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रमोशन है। यदि हम दूसरे बेनिफिट की बात करें तो वो है एनहेंस कॉन्फिडेंस। एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग प्रस्पेक्टिव बायर्स एज दे फील मोर एश्योर अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी। क्योंकि जब भी किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया जाता है तो उस एडवर्टीजमेंट में उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और इसी के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दे दी जाती है। तो कस्टमर्स को अपना जो कॉन्फिडेंस है वो इस बात को लेकर हो जाता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो काफी रिलेवेंट होगा और इसके आगे जाकर कोई भी हमें नुकसान नहीं उठाने पड़ेंगे। लेकिन शर्त ये है कि एडवर्टीजमेंट में जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाए वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से यदि हम एडवर्टीजमेंट का जो थर्ड बेनिफिट है वो देखें तो वो है मास रीच। मास रीच का मतलब होता है कि ये जो एडवर्टीजमेंट है ना वो बहुत से कस्टमर्स को जानकारी एक ही समय पर दे देता है। एडवर्टाइजिंग इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन रीच टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो जो एडवर्टीजमेंट है वो किसी भी प्रोडक्ट की जो जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक ही समय पर बहुत सारे कस्टमर्स को या लोगों को पहुंचा सकता है। यदि मान लीजिए किसी भी बिजनेसमैन ने अपने प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट है वो टीवी और रेडियो के थ्रू किया है तो उस प्रोडक्ट की जानकारी आपको नेशन वाइड मिल सकती है, उसकी जानकारी पूरे देश भर में फैल सकती है। इसी तरह से यदि हम दूसरे मेथड की बात करें तो मान लीजिए बिजनेसमैन ने अपना जो प्रोडक्ट है वो एडवर्टाइज किया है इंटरनेट के थ्रू, तो इंटरनेट के थ्रू क्या होगा उसके प्रोडक्ट की जो जानकारी है वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचेगी। मतलब एक ही देश को नहीं बहुत सारे देश के जो कस्टमर्स हैं उनको उस प्रोडक्ट की जानकारी इजीली मिल जाएगी। अगर हम फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो वो होता है बेटा एडवर्टीजमेंट क्या होता है, काफी एक्सप्रेसिव होता है या इम्पैक्टफुल होता है। एडवर्टीजमेंट इज एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ प्रमोशन। तो बेटा जो प्रमोशन करना है, अपने नए गुड्स का प्रचार प्रसार करना है तो उसके लिए जो एडवर्टीजमेंट है वो काफी इफेक्टिव आपके लिए साबित हो सकता है। वो कैसे होगा देखो यहाँ पे लिखा है Even a simple product can be presented attractive. तो बेटा जो सिंपल सा प्रोडक्ट भी है ना उसका ज्यादा कोई उपयोग नहीं है, साधारण सा दिखने वाला कोई प्रोडक्ट है या गुड्स है तो उसको भी काफी अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स
आजकल कंप्यूटर पर बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स का यूज किया जाता है, जैसे ग्राफिक्स वगैरह हो गया, या कंप्यूटर पर बैठकर जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है वो काफी अट्रैक्टिव डिजाइन का उपयोग करके और फिर बाद में प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करता है। तो एक सिंपल सा दिखने वाला जो प्रोडक्ट है वो काफी अट्रैक्टिव बन जाता है, भले ही पैकेजिंग में आने वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको सिंपल सा दिखाई दे, लेकिन उसकी पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव, इतने उसमें ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा कि फर्स्ट टाइम में जो कस्टमर्स है उसकी आंखों को वो जो प्रोडक्ट है ना वो काफी अट्रैक्टिव लगेगा और वो इंस्टेंटली उसको बाय करने की कोशिश करेगा। यदि हम फिफ्थ बेनिफिट की बात करें तो वो है इन्फॉर्मेटिव। तो बेटा आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि भाई जब हम एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो बेशक उससे क्या होता है, प्रोडक्ट की जो सेल है वो काफी हद तक बढ़ जाती है, लेकिन इसी के साथ में जो एडवर्टीजमेंट है वो नए प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी बहुत ही वैरायटी में जो इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाता है। अब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो एडवर्टीजमेंट है वो अपने कस्टमर्स को देता है, तो ये फर्स्ट तो है हाउ टू यूज प्रोडक्ट, कि भाई प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसकी सभी जो गाइडलाइन है उसकी पैकेजिंग पर लिखी हुई होती है। क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की क्या क्या क्वालिटीज हैं, आपको ये जो प्रोडक्ट है भविष्य में कैसे बेनिफिट पहुंचा सकता है, इसकी भी जानकारी प्रोडक्ट पर होती है। इसी के साथ में कंटेंट्स ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट किन चीजों से मिलकर बना हुआ है वो सभी जानकारी आपको उसके पैकेजिंग पर या लेबलिंग पर आसानी से मिल जाएगी। इसी के साथ में जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, तो ये जानकारी भी आपको आसानी से मिल सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है सेल्स को तो बढ़ाता ही है, साथ साथ में कस्टमर को अपने नए प्रोडक्ट के बारे में इम्पोर्टेंट जो नॉलेज है या जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करवाता है। इसी के साथ में यदि हम सिक्स्थ बेनिफिट के बारे में बात करें तो वो है बेटा कन्वीनियंस। सिंस द कंज्यूमर्स हैव ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपको पता है अभी हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि भाई जो कस्टमर्स है उसको नए प्रोडक्ट के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है एडवर्टाइजमेंट दे चुका होता है, तो ही हैज नॉट टू वेस्ट हिज टाइम इन चूजिंग एंड कंपेयरिंग द प्रोडक्ट। तो उसे दूसरे प्रोडक्ट के साथ में उस मेन प्रोडक्ट को कंपेयर करने की या अलग अलग प्रोडक्ट को चूज करने पर जो उसका टाइम वेस्ट होता है, तो इस तरह के टाइम वेस्ट करने की उसे बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी विद द सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास भी वही प्रोडक्ट होगा, तो ऐसे इस तरह के जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं एक ही वैरायटी के, तो उनको उनके बीच में कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसे सारी जो इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है वो मिल चुकी है। यदि हम एडवर्टीजमेंट के लास्ट बेनिफिट के बारे में बात करें तो वो है बेटा सेवंथ पॉइंट, और उसमें है फ्रीडम ऑफ चॉइस। Nowadays customers have freedom of choice. आजकल क्या है बेटा, एडवर्टीजमेंट किसी भी प्रोडक्ट का इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कस्टमर्स को अब choices मिल चुकी हैं। जो प्रोडक्ट बढ़िया होगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, वही आज मार्केट में अच्छी तरह से बिक सकता है। In this competitive market, a large variety of goods of different brand is there. जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आजकल के competitive market में प्रतिस्पर्धी बाजार में बहुत से variety के brand customers के लिए available हैं। Advertisement give necessary information about different brands. और जो advertisement का काम क्या होता है, अलग अलग जो brands हैं वो अपने हिसाब से advertisement करते हैं, तो advertisement के through उनको उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो ही जाती है, so that buyers can clear their confusion. और जो buyers हैं वो अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, और ये कंफ्यूजन क्लियर कैसे होगा, बाय कंपेयरिंग एंड एनालाइजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। और जो भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर्स को दी जा रही है, तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन को कंपेयर करके और उनके बारे में एनालिसिस कर सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट होगा बिफोर टेकिंग ए बाइंग डिसीजन। और जैसे ही वो बाइंग डिसीजन लेता है, मतलब वो खरीदने को तैयार होता है, तो उससे पहले वो नए प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ में कंपेयर भी कर चुका होता है और उसको एनालिसिस भी कर चुका होता है। इफ ही इज नॉट सेटिस्फाई विद द पर्टिकुलर ब्रांड्स, अगर वो किसी विशेष ब्रांड से सेटिस्फाई नहीं है, तो ही कैन बाय अदर ब्रांड। तो वो भाई क्या करेगा, दूसरे ब्रांड के जो प्रोडक्ट है उसको खरीद लेगा। इसलिए देयर आर अ लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल फॉर देम। और इसीलिए आज कस्टमर्स के पास में बहुत सी चॉइस अवेलेबल है इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको एडवर्टीजमेंट के जो बेनिफिट्स है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आसानी से अपनी जो प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग के जो डीमेरिट्स हैं, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट जब हम करते हैं तो एडवर्टीजमेंट के खुद के कुछ ना कुछ नुकसान तो होंगे, या फिर जो एडवर्टीजमेंट है वो कुछ ना कुछ चीज़ों को लिमिट तो करता ही होगा। तो लिमिट का मतलब यहाँ से है कि एडवर्टीजमेंट का हम यूज़ कहाँ तक कर सकते हैं, इसके भी अपने कुछ नुकसान होते हैं। तो इन्हीं नुकसान के बारे में, इन्हीं लिमिटेशंस या डीमेरिट्स के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।
तो बेटा मेरिट्स की तरह ही जो एडवर्टीजमेंट के डीमेरिट्स हैं, या यूं कह लो कि जो इसकी लिमिटेशंस है ना, उसको भी मैंने 7 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। उसमें फर्स्ट है लेस फोर्सफुल, लैक ऑफ फीडबैक, इनफ्लेक्सिबल, इन्फीरियर गुड्स, इनइलास्टिक डिमांड गुड्स, नॉट सुटेबल फॉर सेलर मार्केट एंड अंडरमाइन सोशल वैल्यू। तो ये जो 7 पॉइंट है, अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। यदि हम एडवर्टाइजिंग का जो फर्स्ट डिमेरिट है या जो फर्स्ट लिमिटेशन है उसको हम पढ़ें, तो वो आता है बेटा लेस फोर्सफुल। तो लेस फोर्सफुल का मतलब होता है कि कम प्रभावशाली, या यू भी कह सकते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है ना वो लेस इफेक्टिव है। वो क्यों है? बिकॉज एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन कस्टमर्स एंड सेलर्स। क्योंकि बेटा जो एडवर्टाइजिंग है ना वो एक इम्पर्सनल कम्युनिकेशन का फॉर्म है, जिसमें एक जो सेलर होता है और जो कस्टमर होता है ना, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता भी नहीं है। एडवर्टीजमेंट डज नॉट हेल्प द मैन्युफैक्चरर्स टू नो अबाउट टारगेट कस्टमर्स एंड देयर रिक्वायरमेंट। और एडवर्टीजमेंट तो क्या होता है बेटा, सिंपली टीवी पर चलता रहता है। अब जिस कस्टमर को उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, वो भी वो एड देख रहा है, तो उस एड का उस पर तो कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। तो इस तरह से जो एडवर्टीजमेंट है वो मैन्युफैक्चरर को उसके टारगेट कस्टमर के बारे में भी पता नहीं चलने देता, और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से भी वो जो एड है नहीं चलता है। तो सपोज करिए कि किसी भी शहर में मान लीजिए 50% ऐसे हाउस थे जहां पर उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो वो जो एड है वो उनके लिए फ्रूटफुल हुआ, मतलब उनके लिए उपयोगी साबित हुआ, लेकिन जो बाकी 50% है उनको उस एड की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से ये जो एड है बाकी 50% के लिए क्या होगा, लेस इफेक्टिव होगा। अगर हम सेकेंड लिमिटेशन की बात करें तो वो है लैक ऑफ फीडबैक। मैन्युफैक्चरर्स स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑन एडवर्टीजमेंट। जैसा कि आपको पता है कि जो एडवर्टीजमेंट पर है ना, मैन्युफैक्चरर्स जो लोग हैं या जो बिजनेसमैन है बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। बट आफ्टर दिस स्पेंड, लेकिन बेटा इतना खर्च करने के बाद में भी दे इवन डोंट नो अबाउट देयर कस्टमर्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स, कि भाई उनके प्रोडक्ट के लिए कौन से कस्टमर सही रहेंगे, इन कस्टमर्स के बारे में भी उनको पता नहीं चलता है। फॉर विच एडवर्टाइजिंग वॉज डन, जिनके लिए बेटा एडवर्टाइजमेंट किया गया था ना, उन कस्टमर्स के बारे में उन मैन्युफैक्चरर्स को पता भी नहीं चल पाता है। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है या लिमिटेशन कह सकते हैं। इसी के साथ में जो कस्टमर्स का फीडबैक होता है, भाई प्रोडक्ट को लेकर उनके क्या सजेशंस है, क्या वास्तव में वो प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे या नहीं, तो इस तरह की जो फीडबैक है या जो जानकारी है वो मैन्युफैक्चरर तक नहीं पहुंच पाती है। यदि हम थर्ड लिमिटेशन की बात करें तो वो है इनफ्लेक्सिबल। वंस द एडवर्टीजमेंट रन्स ऑन टीवी और इंटरनेट, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है बेटा, जो स्टैटिक रहता है, मतलब जो स्थिर रहती हैं चीजें। तो एक बार यदि एडवर्टीजमेंट टीवी पर या इंटरनेट पर चला दिया जाता है या फिर और किसी शोज पर एडवर्टीजमेंट चल रहा है, तो बेटा उसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। अब उसमें जो भी जिस भी तरह की स्कीम थी वो स्कीम हमेशा फिक्स ही रहेंगी। सपोज करिए कि एडवर्टीजमेंट में किसी प्रोडक्ट की सेल के लिए एडवर्टीजमेंट किया गया और उस पर बेटा वो 10% डिस्काउंट देना चाह रहा है, लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हैं कि वो चाहते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट पर तो 15% डिस्काउंट होना चाहिए था या 20% डिस्काउंट होना चाहिए था। तो इस वजह से जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर पाता है। अगर हम बात करें पर्सनल सेलिंग की, मतलब डोर टू डोर सेल करने के लिए जो सेल्समैन जाते हैं ना, वो चीजें बेटा काफी इनफ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि वहां पर कस्टमर और जो सेलर है वो आमने सामने बार्गेन कर सकते हैं। तो सपोज करिए उसने 10% बोला डिस्काउंट के लिए, तो जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट के लिए 20% भी ले सकता है और 30% डिस्काउंट भी ले सकता है आपसी मोल भाव करके। यदि हम एडवर्टीजमेंट के फोर्थ डिमेरिट की तरफ चलें तो वो है बेटा इन्फीरियर गुड्स। तो इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जो घटिया क्वालिटी के गुड्स होते हैं। समटाइम्स अ फर्म कैन इजीली प्रमोट इट्स चीपर क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। कई बार क्या होते हैं बेटा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ बिजनेसमैन या कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जो कि अपनी घटिया क्वालिटी का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसको भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू अट्रैक्टिव रूप में पेश करके और उनको बेच दिया जाता है मार्केट में। तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट है ना, वो घटिया क्वालिटी वाले और अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। भाई एडवर्टीजमेंट तो क्या है, एडवर्टीजमेंट होता है। आप तो किसी भी चीज का एडवर्टीजमेंट करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। बट दिस टाइप ऑफ फर्म और प्रोडक्ट्स डोंट स्टे इन द मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन बेटा हो सकता है कि एक बार एडवर्टीजमेंट के थ्रू उस इन्फीरियर गुड्स को आप मार्केट में बेच सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे मार्केट में लंबे समय तक इस तरह का ना तो प्रोडक्ट टिकेगा और ना ही इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में टिक सकता है।
इसी तरह से यदि हम फिफ्थ लिमिटेशन की बात करें तो वो है इनलास्टिक डिमांड गुड्स। तो बेटा जो इनलास्टिक डिमांड गुड्स होती है ना, उनमें एडवर्टीजमेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहती है। अब ये इनलास्टिक डिमांड गुड्स क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं। दोज गुड्स विच डिमांड डज नॉट चेंज वेदर प्राइस ऑफ सच गुड्स डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। तो ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड बेटा कभी चेंज नहीं होती है, जो भी स्टैटिक रूप से चल रही है वो उसी तरह से चलती रहेगी, चाहे से उस गुड्स की प्राइस कितनी ही कम क्यों ना हो जाए या कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए। तो व्हेन द प्राइस गोज अप, अब कई बार क्या होता है, यदि मान लो उस प्रोडक्ट की या उस गुड्स की प्राइस ज्यादा हो गई तो कस्टमर्स विल नॉट चेंज देयर बाइंग हैबिट। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कस्टमर्स है इस तरह के प्रोडक्ट को कम खरीदेंगे, नहीं, वो अपने खरीदने की आदत को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। आवश्यकता अनुसार जितनी मात्रा उनको जरूरत है वो मात्रा वो जरूर खरीदेंगे। दीज प्रोडक्ट्स आर नेसेसिटीज, और स्पेशली जो ये प्रोडक्ट होते हैं ना इनइलास्टिक डिमांड वाले जो प्रोडक्ट हैं वो नेसेसिटी टाइप वाले होते हैं, मतलब उनकी जरूरत हमेशा एक कस्टमर को रहती है, दे डोंट हैव सब्स्टिट्यूट्स। और बेटा सीधी सी बात है, इस तरह के प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट भी तो नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कॉफी और टी है, सपोज करिए कि अब जो टी के प्राइस है वो ज्यादा हो गए, तो हम क्या है सब्स्टिट्यूट के रूप में कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको अब एग्जांपल में बताने वाला हूँ ना, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। यदि हम एग्जांपल की बात करें तो वो है जैसे सॉल्ट, पेट्रोल, टोबैको, मेडिसिन्स। तो ये क्या है बेटा, नेसेसिटी वाले आइटम्स हैं। इनकी प्राइस चाहे कितनी ज्यादा बढ़ जाए लेकिन फिर भी जो कस्टमर है वो अपने डेली यूजेस के हिसाब से उसको जरूर खरीदेगा। सो देयर इज नो नीड ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर सच प्रोडक्ट। और इसीलिए कहा गया है कि जो ये इनइलास्टिक डिमांड वाले गुड्स होते हैं ना, इनका एडवर्टीजमेंट करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बेटा कोई भी जो कस्टमर है ना इन प्रोडक्ट्स को किसी भी एडवर्टीजमेंट को देखकर नहीं खरीदता है, उसकी जब जरूरत होगी तभी इन चीजों को वो इस्तेमाल करेगा और जरूर करेगा। इसी तरह से यदि हम सिक्स्थ पॉइंट की बात करें ना, तो ये है नॉट सूटेबल फॉर सेलर मार्केट। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जो सेलर मार्केट है वो होता क्या है। द मार्केट इन विच गुड्स आर स्केर्स, कि ऐसा कोई मार्केट, ऐसा कोई बाजार जिसमें कि जो गुड्स हैं वो बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, बायर्स हैव लिमिटेड चॉइस, और उन गुड्स के रिगार्डिंग बायर्स के पास में कोई चॉइस भी नहीं होती है, एंड प्राइसेस आर हाई, और ज्यादातर इन गुड्स के जो प्राइसेस होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं। तो इस तरह के मार्केट को हम बोलते हैं सेलर मार्केट। बेटा सेलर मार्केट से मतलब ये नहीं है कि वहां पर सेलर ही बैठे रहते हैं, नहीं, वहां पे बायर भी जाते हैं खरीदने के लिए। तो इस मार्केट में बेटा सेलर और बायर दोनों रहते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है सेलर मार्केट की कि यहां पर जो चीजें हैं वो बहुत महंगी होती है, लिमिटेड क्वांटिटी होती है उनकी, और कस्टमर्स के पास में कोई चॉइस भी नहीं होती कि भाई इस प्रोडक्ट की जगह हम दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि जो सेलर मार्केट है ना वो इनइलास्टिक डिमांड वाले गुड्स का मार्केट होता है। तो इसमें भी वही एग्जांपल होंगे, एलपीजी, केरोसिन और नेसेसिटी के जो भी गुड्स और जो आइटम होते हैं वो सेलर मार्केट के कैटेगरी में गिने जाते हैं। और इस तरह के प्रोडक्ट का भी हमें कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, जब भी कस्टमर को जरूरत रहेगी तो वो इन चीजों को जरूर खरीदेगा। यदि हम एडवर्टाइजिंग के डीमेरिट्स का सेवंथ पॉइंट देखें, जो कि लास्ट पॉइंट है, वो है अंडरमाइंस सोशल वैल्यू। तो हमारे जो सोशल वैल्यूज है ना बेटा, कभी कभार एडवर्टाइजमेंट उनको कम करता है, उनको हानि पहुंचाता है। कैसे, समटाइम्स वल्गर एड्स आर ऑल्सो रन ऑन टीवी एंड इंटरनेट। कई बार क्या होता है कि जो टीवी और इंटरनेट होते हैं ना उन पर जो वल्गर टाइप के जो एड्स होते हैं ना, जो बेकार क्वालिटी के, जो भद्दे जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो भी चलते रहते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो है ना अपने सोशल कल्चर, सोशल जो वैल्यूज है, हमारे जो संस्कार है उनको भी प्रभावित करते हैं, और स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके माइंडसेट को भी चेंज करते हैं, उनके दिमाग में भी नेगेटिविटी डाल दिया करते हैं। तो ये थे बेटा एडवर्टाइजिंग के कुछ डिमेरिट्स, कुछ लिमिटेशंस। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको डिमेरिट्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो हम करते हैं ना, हमका मतलब यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरर या जो भी मर्चेंट है या जो भी ट्रेडर है जो एडवर्टीजमेंट का सहारा लेता है, तो आखिरकार उसे इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो मतलब यहाँ पर हम रोल या फिर जो नीड है, नीड का मतलब जरूरत, तो एडवर्टीजमेंट की किसी भी मैन्युफैक्चरर को आखिरकार जरूरत क्यों पड़ती है, इसी के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बेटा। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। यदि हम एडवर्टीजमेंट की फर्स्ट नीड के बारे में बात करें तो मतलब ये है कि जो एडवर्टीजमेंट की जरूरत हमें क्यों होती है, तो बेटा उसमें पहली जरूरत ये होती है कि न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। जब भी कोई मैन्युफैक्चरर अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारना चाहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो किसके थ्रू दे सकता है, तो एक ही मीडियम है, एक ही तरीका है हमारे पास में, और वो है बेटा एडवर्टीजमेंट। तो चलिए इसको डिटेल से हम पढ़ते हैं। इफ द मार्केटर वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस
हिज न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट्स कस्टमर। यदि मार्केट में रहने वाले कस्टमर्स को वो अपने नए प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, परिचय करवाना चाहते हैं, या फिर सिंपल शब्दों में कहें तो यदि वो अपने नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहता है मार्केट के कस्टमर्स को, तो बेटा इट बिकम्स एसेंशियल फॉर हिम टू यूज कंटिन्यूअस एडवर्टीजमेंट। तो ये जो चीज है ना, कंटिन्यूअस एडवर्टीजमेंट, यानी उसे लगातार एडवर्टीजमेंट करना होगा। किसके लिए? अपने नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए अपने कस्टमर्स को। एडवर्टीजमेंट क्रिएट्स ए फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर द प्रोडक्ट बिफोर इट कम्स इन द मार्केट। और एडवर्टीजमेंट पता है क्या करता है बेटा? वो जैसे प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला होता है, उससे पहले ही जो प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव जो माहौल है, अच्छी जो बातें हैं, वो मार्केट में फैला चुका होता है। इट टेल्स अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकेशन एंड यूजफुलनेस फॉर द कस्टमर्स। और बेटा जो कस्टमर्स के लिए जो नया प्रोडक्ट है उसने लॉन्च किया है ना, तो उस नए प्रोडक्ट की क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगी, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होंगी, और जो नया प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स के लिए कैसे यूजफुल होगा, तो इन सभी चीजों के बारे में जो जानकारी है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर्स को मिल जाती है। अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट की सेकेंड नीड के बारे में, तो वो है बेटा क्रिएटिंग डिमांड। एडवर्टाइजिंग स्टिमुलेट डिमांड ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। तो बेटा जो भी नया प्रोडक्ट होता है ना, तो उसकी जो डिमांड है ना, वो एडवर्टीजमेंट बढ़ाने में मदद करता है। कैसे बढ़ाता है? बाय टेलिंग न्यू यूजेज ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स। तो जो भी एग्जिस्टिंग का मतलब होता है मार्केट में जो पहले से ही गुड्स है ना मैन्युफैक्चरर का, उसके बारे में उसके नए नए प्रयोग क्या हो सकते हैं, नए फायदे किसी भी कस्टमर के लिए क्या हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी देता है। एंड बाय क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को काफी अट्रैक्टिव तरीके से पेश करके वो उस प्रोडक्ट में कस्टमर्स के जो इंटरेस्ट है, उसकी जो रुचि है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। यदि एक बार कस्टमर ने उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया ना, तो फिर लास्ट में वो ये भी चाहेगा कि क्यों ना वो उस प्रोडक्ट को खरीद ही ले। तो इस तरह से बेटा जो एडवर्टीजमेंट है वो डिमांड, यानी कि जो नया प्रोडक्ट होगा उसकी डिमांड बढ़ाने में मदद करता है। इसी तरह से यदि हम बात करें कि भाई एडवर्टीजमेंट की जरूरत क्यों होती है, तो बेटा उसी में थर्ड पॉइंट है डिस्कवरिंग प्रोस्पेक्टस बायर्स। यदि मान लीजिए किसी भी कंपनी को अपना प्रोडक्ट मार्केट में पेश करना है और वो ये चाहता है कि भाई जो कस्टमर्स हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में उससे जुड़े रहें, तो इस तरह के जो भावी कस्टमर्स होते हैं, मतलब जो अभी कस्टमर नहीं बने हैं लेकिन वो एडवर्टीजमेंट की हेल्प से आगे जाकर उस कंपनी के कस्टमर बन सकते हैं, तो ऐसे कस्टमर को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस बायर्स। इफ ए कंपनी वॉन्ट्स टू लेट द कस्टमर्स नो, यदि एक कंपनी कस्टमर से ये चाहती है कि भाई कस्टमर उसके प्रोडक्ट के बारे में जाने, then it starts to use advertising about itself and its goods। तो बेटा वो जो कंपनी वाले क्या करते हैं, अपने बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए वो एडवर्टाइजिंग का या जो एडवर्टीजमेंट है या जो विज्ञापन है ना, उसका सहारा लेना शुरू कर देते हैं। इट कैन इजीली एंटर इनटू ए न्यू मार्केट, और इस तरह से बेटा वो जो फर्म है, वो जो कंपनी है, एक नए मार्केट में आसानी से प्रवेश कर सकती है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टीजमेंट की मदद से। अब ये कैसे पॉसिबल है बेटा? पॉसिबल इसी तरह से है कि यदि वो अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी के बारे में एडवर्टीजमेंट मार्केट में करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस कंपनी और उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी, और जैसे ही वो नए मार्केट में आएगा, मतलब बाजार में जैसे वो अपना प्रोडक्ट उतारेगा, तो जो कस्टमर्स है ना बेटा, वो फटाफट उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देंगे। यदि हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो बेटा एडवर्टीजमेंट की जरूरत केवल और केवल सेल्स को बढ़ाना नहीं होता है, इसी के साथ में जो एडवर्टीजमेंट है वो कस्टमर्स को एजुकेट भी करता है। एजुकेट का मतलब यहाँ पर उसको पढ़ाना लिखाना नहीं है, मतलब जो कस्टमर्स हैं उनको कैसे कबूतर, बारहखड़ी या जो गिनतियां वगैरह नहीं सिखाएगा, इस तरह की एजुकेशन नहीं देता है। एजुकेशन का मतलब यहाँ पे ये है बेटा कि वो जो एडवर्टीजमेंट है ना, वो नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं उसी को हम बोलते हैं एजुकेटिंग कस्टमर्स। तो देयर आर ए वाइड वैरायटी ऑफ सिमिलियर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। जैसा कि आपको पता है एक ही प्रोडक्ट होगा ना, तो उसकी अलग अलग तरह की वैरायटीज जो है वो आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। यदि हम बात करें बिस्किट की, तो बेटा बिस्किट के अलग अलग ब्रांड है कि नहीं? तो इसी तरह से वेयर कंज्यूमर्स आर इन कंफ्यूजन, तो बेटा जब इतनी वैरायटीज कंज्यूमर के सामने मार्केट में आती है ना, तो बेटा सीधी सी बात है वो कंफ्यूज हो ही जाता है अबाउट विच प्रोडक्ट दे शुड चूज, और वो इस चीज को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि सपोज करो उन्हें बिस्किट खरीदना है, तो बेटा वहां पर बिस्किट जो है पार्ले के भी हैं, ब्रिटानिया के बिस्किट भी मिलते हैं, 2020 बिस्किट भी मिलते हैं, तो बहुत सारी वैरायटीज है ना, तो इन्हीं चीजों को लेकर वो कंफ्यूजन में रहते हैं।
तो बेटा सीधी सी बात है, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट है ना, वो इन तीन तरीकों से उनके कंफ्यूजन को दूर करता है। कैसे? तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है इट टेल्स अबाउट प्रोडक्ट्स क्वालिटी। तो बेटा जो मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट हैं तो उनमें उस स्पेशल प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है तो कस्टमर उसको खरीद लेंगे, यदि क्वालिटी उनको शूट नहीं कर रही है तो कस्टमर नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह से वो अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ में जो एडवर्टीजमेंट है वो प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बताते हैं। जो प्रोडक्ट सस्ता होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा तो कस्टमर्स उसको आसानी से खरीद लेंगे, और जो प्रोडक्ट उनकी पॉकेट से बाहर है, पॉकेट से बाहर होने का मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि यदि वो महंगा है ना तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं खरीदेगा। यदि हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो बेटा इसमें लिखा हुआ है इट टेल्स अबाउट वेरियस ऑफर्स एंड स्कीम। तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट है वो किसी भी प्रोडक्ट पर दिए जाने वाले जो ऑफर्स होते हैं और जो भी जिस भी तरह की जो स्कीम होती है उन सबके बारे में इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स को दे देता है। तो कस्टमर क्या करेगा, जिस पर अच्छा ऑफर चल रहा है, जिस पर अच्छी स्कीम चल रही है उस प्रोडक्ट को वो खरीद लेगा, और जिसका ऑफर और जो स्कीम है उसको शूट नहीं करती है, उसके लिए लाभप्रद नहीं है, तो बेटा सीधी सी बात है वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। तो इस तरह से जो कंफ्यूजन है वो कस्टमर्स के दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक इसी तरह से यदि हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, तो भाई एडवर्टीजमेंट की जरूरत एक मैन्युफैक्चरर को तब बहुत ज्यादा होती है जबकि उसे अपने सेल्समैन मतलब उसके प्रोडक्ट को जो बेचने वाले होते हैं ना, होलसेलर और जो रिटेलर होते हैं, उनकी मदद करना हो। तो अब ये बेटा जो एडवर्टीजमेंट है मैन्युफैक्चरर की, इस मामले में कैसे मदद करता है, तो चलिए इसी को पढ़ते हैं। अ मैन्युफैक्चरर ऑलवेज वांट्स टू मेक द थिंग्स इजी फॉर द सेल्समैन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो हमेशा ये चाहेगा कि जो सेल्समैन है उसको प्रोडक्ट को बेचने के दौरान कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। मतलब जैसे ही उसको प्रोडक्ट दिया जाएगा सेल्समैन को, तो इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है ना वो मार्केट में आते ही बिक जाए। तो इस तरह की कुछ जो सुविधाएं होती हैं, कुछ फैसिलिटीज होती हैं, वो मैन्युफैक्चरर को एक सेल्समैन को देनी पड़ती है। तो फॉर दिस, इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए क्या करता है कि ही एडवर्टाइजेज हिज प्रोडक्ट्स टू मेक अवेलेबल रेडीमेड मार्केट। तो बेटा वो क्या करता है, वो मतलब यहाँ पे क्या है, जो मैन्युफैक्चरर है जो चीजों को बनाता है, निर्माण करता है, वो क्या करता है बेटा, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर देता है ताकि जो सेल्समैन होते हैं ना, होलसेलर और जो दुकान वाले होते हैं, उनको एक रेडीमेड मार्केट मिल जाए जहां पर कि उस प्रोडक्ट को बेचने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो एडवर्टीजमेंट पहले ही कस्टमर को दे चुका होता है। और इसके बाद में क्या होता है कि जो लिटिल एफर्ट्स होते हैं ना विल बी रिक्वायर्ड फॉर सेलिंग द गुड्स, और सेल्समैन को भी बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है उस तरह के गुड्स को बेचने के लिए जिसका कि एडवर्टीजमेंट हो चुका है। डीलर्स ऑल्सो प्रिफर टू सेल एडवर्टाइज्ड गुड्स एंड वॉन्ट्स टू कीप सच गुड्स इन हिज शॉप। और जो डीलर्स होते हैं बेटा, होलसेलर और जो ट्रेडर होते हैं, वो जिस भी तरह के जो रिटेलर होते हैं, वो भी बेटा ऐसे प्रोडक्ट को अपनी दुकान में रखना चाहेंगे और ऐसे प्रोडक्ट को बेचने में वो ज्यादा खुशी महसूस करते हैं जिस पर कि पहले ही एडवर्टीजमेंट चल चुका होता है, क्योंकि उसकी जानकारी सबको हो चुकी होती है। और जो सेल्समैन होता है उसको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते कि भाई देखो ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, आप इसे इस्तेमाल करो, इसकी ये विशेषताएं हैं, तो इस तरह की जानकारी देने में उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह से यदि एडवर्टाइजमेंट की नीड के बारे में सिक्स पॉइंट देखें, तो वो है बेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइस चेंजिंग। तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में कभी भी कोई मैन्युफैक्चरर अपने एग्जिस्टिंग गुड्स में, यानी कि जो पहले से ही मार्केट में गुड्स है ना उसका, उसकी प्राइस को यदि वो चेंज भी करना चाहता है, तो जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारे कस्टमर्स को एक साथ एडवर्टीजमेंट के थ्रू दे सकता है, ताकि भविष्य में जाकर कस्टमर को ये कन्फ्यूजन न हो कि भाई ये प्रोडक्ट पहले 10 रुपए का था, अब 12 रुपए का क्यों हो गया। यदि उसने प्राइस बढ़ाई है तो वो रीजन भी बता सकता है एडवर्टीजमेंट में कि भाई हमने प्राइस बढ़ाने के साथ साथ में इसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया है। यदि उसने प्राइस कम की है तो उसे क्वालिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सस्ता प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में जल्दी बिक जाता है। एडवर्टाइजिंग के जो इम्पोर्टेंस है ना, उनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंस को हम सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं और साथ ही साथ में हम इनको बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं। एक व्यापारी, एक जो प्रोडक्ट का निर्माण करने वाला व्यक्ति होता है, जिसको कि हम बिजनेसमैन भी बोलते हैं, तो उनके लिए एडवर्टाइजिंग के क्या इम्पोर्टेंस होने वाले हैं, उनको बेटा हम बखूबी समझने की कोशिश करेंगे। और बेटा जो ये इम्पोर्टेंस है ना, लगभग मैंने 9 इम्पोर्टेंस इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, और उसमें जो पॉइंट नंबर 4 के बाद में है ना, जितने भी इम्पोर्टेंस आएंगे वो बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि बेटा आपको एडवर्टीजमेंट के जो इम्पोर्टेंस है ना एक बिजनेसमैन के लिए क्या हो सकते हैं, तो वो बेटा टोटल मिलाकर 9 इम्पोर्टेंस है। उसमें फर्स्ट है बेटा ओवरकम कॉम्पिटिशन, सेकंड सपोर्ट सेल्समैन एंड रिटेलर, थर्ड है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन,
फोर्थ है बेटा हायर सेल्स वॉल्यूम, हायर प्रोडक्शन, हायर प्रॉफिट, एनहेंस गुडविल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, लेस पर यूनिट कॉस्ट। तो बेटा ये कुछ जो इम्पोर्टेंस हैं वो एक बिजनेसमैन के लिए होने वाले हैं एडवर्टीजमेंट के। तो चलिए बेटा अब हम इनको वन बाय वन करके पूरी डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा ओवरकम कंपटीशन। तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट है ना वो एक बिजनेसमैन की कंपटीशन को फाइट करने में मदद करता है। अब वो कैसे मदद करता है तो चलिए देखते हैं इसको। एडवर्टीजमेंट मेक्स फेवरेबल इमेज ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर इट कम्स इन द मार्केट। यदि कोई भी बिजनेसमैन अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहता है तो बेटा वो एडवर्टीजमेंट करेगा, और एडवर्टीजमेंट करने का उसको फायदा ये हो जाएगा कि जैसे वो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा उससे जस्ट पहले उस प्रोडक्ट की जो फेवरेबल इमेज होती है या उस प्रोडक्ट के बारे में जो अच्छी जानकारी है या उस प्रोडक्ट की जो पॉजिटिविटी है वो पूरे मार्केट में फैल चुकी होती है। इसी के साथ में बेटा जो एडवर्टीजमेंट है ना वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट के ऑफर, प्राइस, क्वालिटी और जो भी अलग अलग तरह की स्कीम देनी होती है उन सब की जानकारी बेटा वो कस्टमर्स को दे चुका होता है। तो कस्टमर्स को पता चल चुका होता है कि भाई इस प्रोडक्ट पर इस तरह का ऑफर, इस तरह का डिस्काउंट आएगा, ये इतनी प्राइस में हमें सस्ता पड़ने वाला है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो कस्टमर्स है ना बेटा वो उसी प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे, मतलब उसी प्रोडक्ट को वो खरीदना चाहेंगे, और इस तरह से धीरे धीरे करके बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं उस प्रोडक्ट उस कंपनी के साथ में जुड़ना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से बेटा जो कंपटीशन है टफ कंपटीशन है। अब ये कंपटीशन क्यों है बेटा, क्योंकि ऐसे ही सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट बहुत सारे हैं लेकिन उनकी जानकारी कस्टमर्स को नहीं होती। अब ये बिजनेसमैन क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसकी जो जानकारी है कस्टमर्स तक पहुंचा देगा, उसके जितने भी डिस्काउंट है, ऑफर्स है, प्राइस है, क्वालिटी है, उस सब की जानकारी एडवर्टीजमेंट के थ्रू बहुत बड़ी संख्या में जो कस्टमर्स हैं उनको पहुंचा देता है, और इस तरह से वो को मात दे सकता है। अगर हम एडवर्टीजमेंट का जो इम्पोर्टेंस है बिजनेसमैन के लिए तो उस सेकंड इम्पोर्टेंस की बात करें तो वो है बेटा सपोर्ट सेल्समैन एंड रिटेलर। एडवर्टीजमेंट ऑल्सो हेल्प्स द बिजनेसमैन इन सपोर्टिंग सेल्समैन एंड रिटेलर्स बाय सिंप्लीफाइंग द वर्क ऑफ सेल्समैन। तो बेटा जितने भी प्रकार के सेल्समैन होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने जाते हैं, उसमें होलसेलर आ गए, रिटेलर भी आ गए, तो सभी प्रकार के जो ये सेल्समैन होते हैं उनको भी बेटा सहूलियत प्रदान करता है। कौन? एडवर्टीजमेंट। क्यों? क्योंकि as the customers are already familiar with the product and its uses, क्योंकि जो customers होते हैं बेटा वो उस product के बारे में पहले से ही जान चुके होते हैं, और उनको बेटा उस प्रोडक्ट का यूज कैसे करना है, उसकी क्वालिटीज क्या होती है, उसकी जानकारी पहले से ही होती है। तो जो इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं ना जिनकी जानकारी कस्टमर्स को पहले से ही हो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो ऐसे में क्या होता है बेटा जो सेल्समैन और जो रिटेलर्स होते हैं ना डोंट नीड टू प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। तो इस तरह से जो सेल्समैन होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, उनको बेटा कस्टमर के साथ में प्रोडक्ट के बारे में बार बार जानकारी कर देने के दौरान उनको माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है कि भाई जो भी जानकारी थी, जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो तो कस्टमर को एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चल गई। इसलिए इट सेव्स द टाइम ऑफ सेल्समैन एंड रिटेलर। तो इस तरह से बेटा जो एडवर्टीजमेंट है वो सेल्समैन और जो रिटेलर है, होलसेलर है, उन सबका बेटा वो टाइम बचाती है, उनको बार बार प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। और इस तरह से अगर हम देखें ना बेटा तो जो ये सेल्समैन होते हैं, रिटेलर होते हैं ना, वो ऐसे प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे जिसका कि पहले एडवर्टीजमेंट हो चुका है, क्योंकि उनके लिए उनको ज्यादा परेशानी या ज्यादा एफर्ट्स का सामना नहीं करना पड़ता। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, यानी कि जो थर्ड इम्पोर्टेंस है बिजनेसमैन के लिए एडवर्टीजमेंट का, तो वो है बेटा न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। एडवर्टीजमेंट इज वेरी हेल्पफुल इन गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स टू द मास पीपल। तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट है ना उसकी मदद से कोई भी बिजनेसमैन अपने नए प्रोडक्ट को नए मार्केट में आसानी से लॉन्च कर सकता है या नए मार्केट में आसानी से बेच सकता है। कैसे? वो एडवर्टीजमेंट का सहारा लेगा। एडवर्टीजमेंट है वो पूरी की पूरी जानकारी उस नए प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बड़ी संख्या में दे सकता है। अगर हम बात करें बिजनेसमैन के लिए फोर्थ इंपोर्टेंस की एडवर्टीजमेंट वाली, तो बेटा यहाँ पे है हायर सेल्स वॉल्यूम। तो देखो क्या होता है इसमें कि जैसे कस्टमर को नए प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है, कस्टमर्स प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होते हैं, उनको जानकारी हो जाती है, तो उससे क्या होगा जो कस्टमर्स हैं अगर उस क्वालिटी से, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाई हैं, तो बेटा वो उस प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे और इस तरह से डिमांड बढ़ेगी, और जैसे डिमांड बढ़ेगी तो बेटा ऑटोमेटिकली जो सेल्स है वो अपने आप बढ़ती जाएगी। तो बेटा ये सब पॉसिबल किसके थ्रू हुआ? सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट की मदद से। अगर हम एडवर्टीजमेंट के
फिफ्थ इंपॉर्टेंस की बात करें जो कि एक बिजनेसमैन के लिए होने वाला है, वो है बेटा हायर प्रोडक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि यदि आपको पॉइंट नंबर 4 याद हो जाता है तो उसके बाद वाले पॉइंट अपने आप याद हो जाएंगे बेटा। तो देखो, जो एडवर्टीजमेंट है वो प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट करता है, मतलब ये है कि बेटा बिजनेसमैन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। वो कैसे? क्योंकि जैसे कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा तो वो अपनी डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स जैसे बढ़ी तो बेटा लास्ट में फाइनल में क्या होगा, उसको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। तो ये जो प्रोडक्शन बढ़ा है वो भी किसकी मदद से बढ़ा है? एडवर्टीजमेंट की मदद से ही। अगर हम सिक्स पॉइंट की बात करें तो वो है हायर प्रॉफिट। तो जो बेटा एडवर्टीजमेंट है वो किसी भी बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो सेम वही लाइन हम बोलेंगे जो कि पिछले फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में बोलते आ रहे थे। तो जैसे ही कस्टमर को किसी प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा तो वो अपनी डिमांड बढ़ाएगा, डिमांड बढ़ेगी तो बेटा सेल्स भी बढ़ेगी, सेल्स बढ़ा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ेगा तो बेटा अल्टीमेटली जो बिजनेसमैन को प्रॉफिट है वो भी ज्यादा होने वाला होगा। तो ये सब चीजें किसकी बदौलत हो रही है बेटा? एडवर्टीजमेंट की बदौलत ही तो हो रही है। शुरुआत में बेटा बिजनेसमैन ने क्या किया था, अपने प्रोडक्ट की जो जानकारी है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू दी थी, उसी के हिसाब से डिमांड बढ़ा, फिर सेल्स बढ़ी, फिर प्रोडक्शन हुआ, और इस तरह से बेटा जो लास्ट में है बिजनेसमैन का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक इसी तरह से यदि हम सेवन पॉइंट की बात करें तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट है ना वो किसी भी बिजनेसमैन की गुडविल, उसकी कंपनी की गुडविल को बढ़ाने में मदद करता है। कैसे बढ़ाने में मदद करता है देखो बताते हैं। जैसे ही एडवर्टीजमेंट किया तो कस्टमर उस नए प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हुए, सचेत हुए, मतलब उसको जानकारी प्राप्त हुई। जैसे उस प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाई हुए तो वो डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो बेटा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और जब लास्ट में प्रॉफिट बढ़ेगा, बिजनेस आगे जाकर ग्रोथ करेगा, तो आसपास के लोग जो कस्टमर्स हैं और जो बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं ना वो उस बिजनेस और उसके प्रोडक्ट के बारे में बातें करने लगेंगे। लोग उसके प्रोडक्ट को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर काफी सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। तो बेटा अल्टीमेटली क्या होगा, उस कंपनी की और उसके प्रोडक्ट की जो गुडविल है, उसकी जो प्रसिद्धि है, मार्केट में चारों तरफ फैल जाएगी। ठीक इसी तरह से यदि हम 8th पॉइंट की बात करें, मतलब एक बिजनेसमैन के लिए एडवर्टाइजमेंट का जो 8th इंपॉर्टेंस है ना वो क्या होने वाला है, यानी कि 8वें नंबर पर जो उसको फायदा मिलेगा वो ये होगा कि वो बेटा अपने बिजनेस का ग्रोथ भी कर पाएगा, बिजनेस को आगे बढ़ा भी सकता है और उसका विस्तार भी कर सकता है। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार करना, अलग अलग जगह पर बहुत सारी ब्रांचेस खोलना। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, अभी हम बेटा इसको भी स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे एडवर्टाइजमेंट किया बिजनेसमैन ने तो कस्टमर्स जो हैं वो उस नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना शुरू करेंगे। अच्छी जानकारी लगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो सेल्स भी बढ़ेगी, सेल्स बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली उसका जो प्रॉफिट है, बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, कस्टमर बहुत संख्या में जुड़ रहे हैं, तो इस तरह से क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर्स है ना उनके पास में उसके प्रोडक्ट की जानकारी जाएगी, रेपुटेशन बढ़ेगी, और जैसे रेपुटेशन बढ़ी उसके पास प्रॉफिट के रूप में बहुत सारा पैसा उसने कमा भी लिया है, तो बेटा उस पैसे का जो इस्तेमाल है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में करेगा, अपने बिजनेस की जो अलग अलग ब्रांचेज है वो अलग अलग जगह पर खोलना भी शुरू करेगा। इस तरह से जो उसका बिजनेस है डे बाय डे ग्रोथ भी करेगा और एक्सपेंड भी होता रहेगा। अगर हम बेटा एडवर्टीजमेंट के जो फायदे होते हैं ना बिजनेसमैन के लिए, उसका जो लास्ट पॉइंट पढ़े तो वो है लेस पर यूनिट कॉस्ट। तो बेटा लेस पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, तो इसी को समझने के लिए बेटा आपको इन 5 स्टेजेस को अच्छी तरह समझना होगा। तो देखो, जैसे बेटा बिजनेसमैन ने अपने प्रोडक्ट का ऐड किया, ऐड करने के बाद में कस्टमर्स जुड़ने लग गए, उन्होंने डिमांड तेज करना शुरू करी, डिमांड तेज हुई तो सेल्स बढ़ी, सेल्स बढ़ेगा तो बेटा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो भी खर्चा आ रहा था ना एक प्रोडक्ट को या एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो खर्चा आ रहा था बिजनेसमैन का, वो अब बेटा कम होने लग जाएगा। क्योंकि बेटा सपोज करो, एक तरफ तो आप 10 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो, एक तरफ आप 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो, तो बेटा 10 यूनिट का प्रोडक्शन करने में जो एम्प्लॉइज को सैलरी देनी पड़ी थी तो वो तो बेटा सेम ही थी ना। तो इससे बढ़िया ये है कि आप ज्यादा मात्रा में गुड्स का प्रोडक्शन करना शुरू करो, तो भी आपको सैलरी वही देनी पड़ेगी और जो बिजली का खर्चा है वो भी थोड़ा बहुत बचेगा, और इस तरह से जो एक यूनिट पर होने वाला खर्चा है वो बिल्कुल कम होने लग जाएगा। तो इस तरह का जो फायदा है वो भी बेटा एडवर्टीजमेंट एक बिजनेसमैन को पहुंचाता है। ये जो इम्पोर्टेंस है वो कंज्यूमर्स के लिए होने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।
यदि हम एडवर्टीजमेंट के जो इम्पोर्टेंस हैं, वो कस्टमर के लिए क्या होने वाले हैं, तो बेटा इसी में जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है वो होगा एजुकेशन टू कंज्यूमर्स। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स नॉलेज टू द कस्टमर्स अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, देयर यूजेज एंड क्वालिटी। तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट जब भी हम किसी प्रोडक्ट का करते हैं, तो उसमें बेटा जो प्रोडक्ट होता है उसके नए नए फीचर्स के बारे में बताया जाता है, उनका यूज कैसे किया जाए, उनमें क्या क्वालिटीज हैं, क्या उसके मेरिट्स हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए बाद में होने वाले हैं। तो इस प्रकार की सभी जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, वो एडवर्टीजमेंट अपने कस्टमर्स को देता है। और सीधी सी बात है बेटा, जो एडवर्टीजमेंट है वो क्यों किया जाता है, ताकि कस्टमर्स को आने वाले प्रोडक्ट के बारे में, नए प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल जाए, और इसी जानकारी के बेसिस पर आगे जाकर जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में विचार कर सकता है। अगर हम सेकेंड इम्पोर्टेंस की बात करें जो कि कंज्यूमर्स के लिए होने वाले हैं, तो वो है बेटा सेविंग टाइम एंड कन्वीनियंस। थ्रू एडवर्टाइजिंग कस्टमर्स नो एवरीथिंग अबाउट न्यू प्रोडक्ट। अगर हमने एडवर्टाइजमेंट एक बार कर दिया, तो उसके बेसिस पर जो कस्टमर्स हैं उनको नए प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी होती है। दे नीड नॉट टू वेस्ट देयर टाइम ऑन कंपेयरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और उन कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई चुनाव करना है, तो इसके रिगार्डिंग उन्हें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि भाई वो बाजार में जाएंगे, फिर 4-5 प्रोडक्ट को लेंगे, उसमें कंपेरिजन करेंगे। ऐसे करने की उनको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी जानकारी थी वो उन्हें एडवर्टीजमेंट के थ्रू मिल चुकी होती है। तो इस तरह से एडवर्टाइज देखने के बाद में कस्टमर्स किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और उन्हें बार बार कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है, और इस तरह से जो है वो अपना टाइम बचा सकते हैं। दे डायरेक्टली विल गो टू द शॉप एंड पिक अप द प्रोडक्ट। अगर कस्टमर एडवर्टीजमेंट देखने के बाद में बाजार में जाएगा प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो सिंपली बस वो क्या करेगा, दुकान में जाएगा, उस प्रोडक्ट को चुन लेगा, खरीद कर वापस घर आ जाएगा। उसको फालतू में जो कंपेयर करने की जरूरत है वो अब नहीं पड़ेगी। अगर हम थर्ड इम्पोर्टेंस की बात करें, तो वो है बेटा बेटर क्वालिटी। एडवर्टाइजिंग इज जनरली डन थ्रू ब्रांड नेम। तो बेटा जब भी किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया जाता है ना, तो उस प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है, मतलब कंपनी का नाम भी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और उस कंपनी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको एडवर्टीजमेंट में देखने को मिल जाएगी। सो एवरी कंपनी ट्राइज इट्स बेस्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट गुड्स टू कंज्यूमर्स। तो इसीलिए बेटा क्या होता है, जो कंपनी होती है ना, वो अपनी रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, तो वो क्या करते हैं बेटा, एडवर्टीजमेंट करके अपने प्रोडक्ट की बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कंज्यूमर को देना चाहेंगे, और लास्ट में जाकर बेटा इसका जो फायदा है वो कस्टमर्स को मिलना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो वो है बेटा इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। Advertising improves living standard of consumers by providing new varieties of products at cheaper price. तो बेटा देखो, सीधी सी बात इसमें ये कहने की थी कि जो भी कस्टमर्स होते हैं ना, वो किसी ना किसी सस्ते प्रोडक्ट को जरूर खरीद लेते हैं, लेकिन उसी के साथ में उस प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटीज भी होनी चाहिए, कुछ वेराइटीज भी होनी चाहिए। तो जो कस्टमर पहले महंगी चीज होने की वजह से नहीं खरीद पा रहा था, तो एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो ऑफर्स और डिस्काउंट्स चलते हैं ना, तो उनको ध्यान में रखकर जो कस्टमर्स हैं उस प्रोडक्ट को जरूर खरीदते हैं, और इस तरह से बेटा जो सस्ती चीजें हैं वो कंटिन्यू खरीदता रहता है, और इस तरह से अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ा सकता है। सपोज करिए कि जो पहले फ्रिज था वो 10,000 में आ रहा था, लेकिन अब उसी फ्रिज का एडवर्टीजमेंट करके उस पर 2,000 या 3,000 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है। तो बेटा पहले क्या था, महंगा होने की वजह से वो उसको यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो उसको श्योरली खरीद लेगा, और खरीदने के बाद में वो फ्रिज क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करता है, फ्रिज का क्या यूज है, और बाद में जो फ्रिज के जितने भी बेनिफिट है वो उठाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो चीजें हैं वो अपने घर में जोड़ना शुरू कर देता है, और अपना जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो थोड़ा ऊंचा कर बैठता है। एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स टू बाय न्यू प्रोडक्ट। और जो एडवर्टीजमेंट है वो काफी अट्रैक्टिव तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने पेश करता है, टीवी या इंटरनेट के थ्रू। इसके बाद में जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, और फाइनली वो बेटा उस प्रोडक्ट को खरीद भी लेता है। तो लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने का मतलब है कि जो चीजें वो पहले इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, वो चीजें वो एडवर्टीजमेंट में ऑफर और डिस्काउंट की बदौलत अब वो उन चीजों का इस्तेमाल कर पाएगा। तो धीरे धीरे जो है चीजें, नई नई चीजें उसके सामने आती रहेंगी, और वो उसका इस्तेमाल करता रहेगा, और अपने जो जीवन जीने का जो तरीका है वो थोड़ा बेटर कर पाएगा। ठीक इसी तरह से यदि हम फिफ्थ इम्पोर्टेंस की बात करें कस्टमर्स के लिए, तो वो है बेटा कंज्यूमर सरप्लस। अ बिजनेसमैन गिव्स ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स ऑन हिज गुड्स थ्रू एडवर्टीजमेंट। तो इसमें क्या होता है, जब भी एडवर्टीजमेंट किया जाता है तो किसी भी पर्टिकुलर गुड्स पर या प्रोडक्ट पर ऑफर्स या डिस्काउंट भी दिया जाता है,
कंज्यूमर्स स्टार्ट टू बाय सच गुड्स एट चीपर प्राइस एंड एबल टू मेक सम सेविंग। और इस तरह से बेटा यदि वो प्रोडक्ट उसके लिए सस्ता हो जाता है तो वो उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो जो प्रोडक्ट पहले आपको ऊंचे दामों में मिल रहे थे वो अब एडवर्टीजमेंट की बदौलत बेटा आपको डिस्काउंट और ऑफर के रूप में सस्ती चीजों के रूप में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से जो कस्टमर है या जो कंज्यूमर्स है ना, जो भी ग्राहक है या जो उपभोक्ता है, वो अपनी सेविंग भी करना शुरू कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस वीडियो में जो कस्टमर्स के लिए एडवर्टीजमेंट के जो इम्पोर्टेंस थे वो अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कंफ्यूजन को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एडवर्टीजमेंट के जो बेनिफिट होने वाले थे वो बेनिफिट एक मिडिलमैन के लिए क्या होने वाले हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि हम होलसेलर के बारे में बात करें तो बेटा होलसेलर वो पर्सन होता है जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से बड़ी मात्रा में गुड्स को परचेज करता है। यदि हम बात करें रिटेलर की तो रिटेलर वो पर्सन या वो सेलर होता है जो होलसेलर से अपनी आवश्यकता अनुसार गुड्स को परचेज करता है। यदि हम सेल्समैन की बात करें तो जो सेल्समैन होता है वो डोर टू डोर जाकर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल किया करता है। तो इन तीनों तरह के जो मिडिलमैन हैं उनके लिए एडवर्टीजमेंट का क्या बेनिफिट होने वाला है वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम मिडिलमैन के लिए जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है एडवर्टीजमेंट का उसके बारे में बात करें तो वो है बेटा कॉन्टेक्ट विद प्रोड्यूसर्स। तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट बैठाने में उन्हें मदद मिलती है। किसके थ्रू? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अब वो कैसे पॉसिबल है? जैसे एडवर्टीजमेंट किसी भी गुड्स का किया जाता है तो उस एडवर्टीजमेंट में प्रोड्यूसर के बारे में, मैन्युफैक्चरर के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी भी दी जाती है। तो इस तरह से बेटा जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर से आसानी से कॉन्टेक्ट बिठा सकता है। इसी तरह से यदि रिटेलर को भी गुड्स परचेज करना हो तो वो बेटा होलसेलर के बारे में जानकारी भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू ले सकता है, क्योंकि प्रोड्यूसर भी अपने गुड्स का एडवर्टीजमेंट किया करता है, साथ ही में जो होलसेलर होता है जो बड़ी मात्रा में प्रोड्यूसर से गुड्स वगैरह परचेज किया करता है तो वो अपने गुड्स को बेचने के लिए होलसेलर भी इस तरह के गुड्स का एडवर्टीजमेंट करता है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जो प्रोड्यूसर और होलसेलर अपने अपने लेवल पर एडवर्टीजमेंट किया करते हैं गुड्स के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि भाई जो प्रोड्यूसर है वो एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा खर्चा करता है तो होलसेलर एडवर्टीजमेंट पर कम खर्चा किया करता है। यदि हम मिडिलमैन के लिए एडवर्टीजमेंट के होने वाले दूसरे बेनिफिट की बात करें तो वो है बेटा इंक्रीज इन सेल्स। एडवर्टाइज गुड्स आर सोल्ड इजीली इन द मार्केट एज कस्टमर्स हैड ऑलरेडी गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट थ्रू एड्स। तो बेटा जो एडवर्टाइज गुड्स होते हैं ना उनको बेचना एक मिडिलमैन के लिए बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि इस तरह के गुड्स के बारे में जानकारी कस्टमर्स को ऑलरेडी हो चुकी है। और वो कैसे होती है? क्योंकि उस गुड्स का बेटा एडवर्टीजमेंट किया जा चुका होता है और नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर मेड मिडिलमैन टू सेल एडवर्टाइज गुड्स। और इस तरह के जो एडवर्टाइज गुड्स होते हैं उनको बेचने के लिए ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं रहती, कस्टमर्स को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उस गुड्स के बारे में जो कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन या फिर अपने टीवी के थ्रू पूरी जानकारी ले चुके होते हैं। तो इस तरह से बेटा जो एडवर्टाइज गुड्स होता है उसकी सेल्स करने में मिडिलमैन को कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं रहती है और ऐसे गुड्स की जो सेल है वो डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है। यदि हम एडवर्टीजमेंट के मिडिलमैन के लिए जो होने वाले थर्ड पॉइंट है उसके बारे में बात करें तो वो है बेटा इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब ये इंक्रीज इन प्रॉफिट कैसे पॉसिबल है? भाई सीधी सी बात है, एडवर्टाइज जो गुड्स होते हैं उनकी जो सेल्स है वो डे बाय डे बढ़ती रहती है। तो जैसे ही सेल में इंक्रीमेंट हुआ तो ऑटोमेटिकली बेटा जो मिडिलमैन के लिए प्रॉफिट है वो भी बढ़ता रहेगा। इसी तरह से यदि हम फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो वो है बेटा लो रिस्क। तो बेटा कहने की बात ये है कि जिस गुड्स का एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाता है तो उस गुड्स या प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को नॉलेज होता नहीं है, तो इस तरह का जो गुड्स है बेटा वो आसानी से बिक नहीं पाता है और वो स्टॉक में पड़ा रहता है। लेकिन जो एडवर्टाइज्ड गुड्स होते हैं ना कैन बी सोल्ड क्विकली, तो ऐसे गुड्स जिन पर एडवर्टीजमेंट रन हो रहा होता है तो इस तरह के जो गुड्स होते हैं वो आसानी से बेचे जा सकते हैं एंड नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर मेड। और जो सेल्समैन है या मिडिलमैन है उनको ज्यादा प्रयास भी नहीं करने पड़ते, मतलब कस्टमर्स के साथ में माथापच्ची भी नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह से जो देयर इज लेस रिस्क ऑफ अनसोल्ड गुड्स है ना वो मिडिलमैन के लिए पॉसिबल हो पाता है। मतलब मिडिलमैन यदि एडवर्टाइज्ड गुड्स को बेचता है तो वो आसानी से बिक जाता है, उसका स्टॉक उसके पास नहीं रहता है। यदि किसी भी गुड्स का स्टॉक दुकान में ज्यादा दिनों तक रहता है तो बेटा उस स्टॉक के खराब होने की ज्यादा संभावना रहती है, लेकिन एडवर्टाइज गुड्स के साथ में ऐसा नहीं होता है बेटा, क्योंकि एडवर्टाइज गुड्स के बारे में नॉलेज सभी कस्टमर्स को होता है और वो आसानी से उस गुड्स को खरीद लेते हैं और इस तरह से जो अनसोल्ड स्टॉक की समस्या रहती है वो मिडिलमैन के साथ में नहीं हो पाती है।
और इसी तरह से यदि मिडिलमैन के लिए होने वाला जो इम्पोर्टेंस है एडवर्टीजमेंट का, तो उस लास्ट इम्पोर्टेंस की बात करें तो वो है बेटा एंड ऑफ अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। जैसा कि बेटा आपको पता है कि थ्रू एडवर्टीजमेंट ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग गुड्स लाइक प्राइस एंड ऑफर्स आर गिवन। जब भी किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया जाता है तो उस गुड्स के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होनी होती है, चाहे वो प्राइस से रिलेटेड हो या किसी भी तरह के ऑफर से रिलेटेड, तो वो सभी इन्फॉर्मेशन उसको दे दी जाती है। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि नो मिडिलमैन कैन चीट विद कस्टमर्स, कि जो भी मिडिलमैन होते हैं वो कस्टमर्स के साथ में चीटिंग नहीं कर सकते। जितनी प्राइस में उसका एडवर्टीजमेंट किया गया है उस प्राइस से ज्यादा प्राइस में भी नहीं बेच सकते, और जो भी जिस भी तरह के ऑफर्स दिए गए हैं या जिस भी तरह का जो डिस्काउंट दिया गया है वो कस्टमर्स को देना ही होगा। ओनली दैट मिडिलमैन विल अट्रैक्ट कस्टमर्स हु सेल्स गुड्स अकॉर्डिंग टू एड्स। केवल वही मिडिलमैन इस कंपटीशन में सक्सेसफुल रहेगा जो कि कस्टमर्स को वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है जो कि कस्टमर्स को उस एड्स के अकॉर्डिंग उस माल को या उस गुड्स को बेचा करेगा। तो कहने का मतलब है जितने भी ऑफर्स होते हैं यदि मिडिलमैन अपने कस्टमर्स को देता है तो वो उस कॉम्पिटिटिव मार्केट को बीट कर सकता है, मतलब उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में लंबे समय तक चल सकता है। तो उम्मीद है बेटा आपको एक मिडिलमैन के लिए जो एडवर्टीजमेंट के होने वाले बेनिफिट्स हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। एडवर्टीजमेंट के जो बेनिफिट या इम्पोर्टेंस है वो बेनिफिट या इम्पोर्टेंस सोसाइटी के लिए क्या होने वाले हैं, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। यदि एडवर्टीजमेंट का फर्स्ट जो बेनिफिट है वो सोसाइटी के लिए देखें तो बेटा वो फर्स्ट पॉइंट निकल के सामने हमारे आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इसमें कहने का मतलब ये है बेटा कि जो एडवर्टीजमेंट है वो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करवाता है, मतलब उनके लिए रोजगार भी दिलाता है। अब वो कैसे पॉसिबल है? वर्कर्स आर नीडेड टू पेस्ट पोस्टर्स ऑन वॉल्स ऑफ द स्ट्रीट्स। किसी भी प्रोडक्ट का एड करना हो या उसके रिगार्डिंग कोई पोस्टर किसी भी स्ट्रीट में चिपकाने हो या पेस्ट करने हो तो उनके लिए भी लोगों की जरूरत पड़ती है। तो कुछ समय के लिए जब तक कि एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है, एडवर्टीजमेंट का काम चल रहा होता है, तब तक बेटा ऐसे कुछ लोग हैं जो कि पहले बेरोजगार थे वो इन काम को करके अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग अनाउंसमेंट थ्रू लाउड स्पीकर्स, और लाउड स्पीकर के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट किया जाता है तो उसके लिए भी बहुत से बंदों की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया जाता है तो उसके लिए बेटा लोगों की जरूरत रहती है। जो लोग पहले बेरोजगार थे अब वो बेरोजगार न होकर और एडवर्टीजमेंट का काम करना शुरू कर देंगे। अगर हम सोसाइटी के लिए एडवर्टीजमेंट का सेकंड बेनिफिट देखें तो वो है बेटा इम्प्रूव्स लिविंग स्टैंडर्ड। एडवर्टाइजिंग आल्सो हेल्प्स द सोसाइटी इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड बाय प्रोवाइडिंग न्यू एंड बेटर क्वालिटी गुड्स। तो बेटा सीधी सी बात इसमें कहने की ये है कि जो एडवर्टीजमेंट है वो लोगों के रहने सहने का जो तौर तरीका है उसको वो इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है? नए नए प्रोडक्ट सोसाइटी को प्रोवाइड करवाकर, और इसी के साथ में जो बेटर क्वालिटी के गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो सोसाइटी को वो प्रोवाइड करवाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो भाई देखो, फ्रिज के आने से पहले जो लोग थे वो अर्दन पॉट्स का यूज किया करते थे, मतलब मिट्टी के जो बर्तन थे यानी कि जैसे मटके वगैरह होते हैं उनमें अपना पानी रखकर और उस पानी का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब जो एड आने लग गए कि भाई फ्रिज वगैरह भी आपके लिए है तो वो सोसाइटी क्या करेगी, फ्रिज का इस्तेमाल करना सीखेगी। तो मतलब क्या हुआ, उसने अपने जीने का जो तरीका है उसका जो एक एडवांसमेंट किया है। इसी तरह से हम क्या करते थे, पहले कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आज बेटा जो स्मार्टफोन के अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं तो जो स्मार्टफोन है आज हम यूज करना शुरू कर चुके हैं। इसी तरह से यदि हम बात करें तो पुराने जमाने में, मतलब पुराने जमाने में तो क्यों बेटा, आज से 10 या 15 साल पहले जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, अपना जो होमवर्क है बेटा वो किसमें क्या करते थे, नोटबुक में, मतलब एक कॉपी हुआ करती थी। लेकिन आज बेटा नोटपैड के भी एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि बेटा आज जो है ना एडवर्टीजमेंट ने लोगों के जीवन के स्तर को अच्छी तरह से सुधारा है। लोग भली भांति तरीके से अपना जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज कर चुके हैं और अपना जो लाइफ स्टाइल है वो दिनों दिन इम्प्रूव करने की कोशिश किया करते हैं, और ये सब पॉसिबल हो पाया है ओनली बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट।
ठीक इसी तरह से यदि बेटा हम एडवर्टीजमेंट के थर्ड इम्पोर्टेंस की बात करें जो कि सोसाइटी के लिए होने वाला है, तो वो है बेटा सेटिस्फेक्शन ऑफ सोसाइटी नीड्स। After survey of the market, advertising provides the goods according to the demand of the customers. तो बेटा आजकल क्या है कि जितने भी प्रकार के goods वगैरह या product market में launch किए जाते हैं, तो उससे पहले जो companies हैं, वो market में survey किया करती है। Survey इसके regarding किया जाता है कि जो market में customers हैं या society के जो लोग हैं, वो किस तरह के product को prefer करते हैं या किस तरह के goods को इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह का पूरा survey होगा, तभी कहीं जाकर कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर पाते हैं। इट प्रोवाइड्स द गुड्स विच सूट टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। और इसी तरह से जो एडवर्टीजमेंट है, केवल वही गुड्स प्रोवाइड करवाता है सोसाइटी को जो कि उसकी आवश्यकताओं को पूरा करे, जो कि उसकी आवश्यकताओं से मेल खाए। तो शूट का मतलब होता है मेल खाना। और जब सोसाइटी को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, तो बेटा सीधी सी बात है, एडवर्टीजमेंट का जो फायदा सोसाइटी को ये मिलता है कि वो अपनी आवश्यकताओं की चीजों को पूरा करके हमेशा संतुष्ट फील करती है। ठीक इसी तरह से यदि हम फोर्थ बेनिफिट की बात करें, तो वो है बेटा प्रोडक्ट्स एट चीपर प्राइस। एडवर्टीजमेंट क्रिएट्स कंपटीशन इन द मार्केट। क्योंकि बेटा आजकल क्या है, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं, अलग अलग तरह के वैरायटीज के प्रोडक्ट को लॉन्च किया करती हैं, और जो एडवर्टीजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जो भी कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे पहले लॉन्च कर पाए। एज ए रिजल्ट Every producer starts to provide his goods at cheaper price with better quality. और इसकी वजह से बेटा क्या हुआ कि competition बढ़ता गया दिनों दिन। अभी भी competition बहुत तगड़ा वाला है market में। तो इस competition को beat करने के लिए जो भी producers हैं, जो भी businessmen हैं, वो अपने goods को सस्ते दामों में provide करवाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि वो जो product है better quality का हो, अच्छी quality का हो। तो इस तरह से जो अनेक बिजनेसमैन हैं, उनके बीच में कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन की वजह से प्रोडक्ट सस्ते होने लग गए और उनकी क्वालिटी भी बेहतर होने लग गई, और अल्टीमेटली इसका जो फायदा है सोसाइटी को मिला, मतलब सोसाइटी में रहने वाले जो कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं, उनको मिल गया। यदि हम एडवर्टीजमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो सोसाइटी के लिए क्या होने वाला है, तो इसी तरह के फिफ्थ इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें, तो वो है प्रमोट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Through R&D, company knows the interest and taste of the society. तो बेटा आजकल क्या है, कोई भी कंपनी वाला हो या फिर कोई भी बिजनेसमैन हो, अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे, उससे पहले मार्केट की R&D करता है। तो R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब वो इस चीज की, इस बात की रिसर्च करता है कि जो सोसाइटी के लोग हैं उनको किस तरह के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, उनका किस तरह का टेस्ट है। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के बाद में जो प्रमोटर है या जो बिजनेसमैन है, वो उसी तरह का जो प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल कराने की कोशिश करता है। अकॉर्डिंग टू दिस इट प्रोवाइड्स गुड्स टू द सोसाइटी। और उनके टेस्ट और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही बेटा जो बिजनेसमैन है सोसाइटी को जो गुड्स है वो मुहैया करवाता है या प्रोवाइड करवाता है। इट केयर्स द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। और आजकल बेटा जो बिजनेसमैन है वो सोसाइटी की नीड्स को, सोसाइटी की जरूरतों और आवश्यकताओं की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, और ये सब पॉसिबल किसके थ्रू हो पाया, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अगर हम बात करें सोसाइटी के लिए होने वाला जो सिक्स्थ इंपोर्टेंस है, तो वो है बेटा सोशल मैसेज फॉर एजुकेशन। एडवर्टाइजिंग आल्सो स्प्रेड सोशल मैसेज फॉर एजुकेशन ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। स्पेशली जो टोबैको वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, तंबाकू वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, उन पर बेटा वो सोशल मैसेज भी दिया करता है, ताकि पब्लिक को, ताकि सोसाइटी को एक तरह से एजुकेशन मिले। जैसे तंबाकू के कोई भी प्रोडक्ट होते हैं, तो उस पर बेटा कंपनी ये मैसेज जरूर लिखती है कि टोबैको किल्स, मतलब टोबैको खाने से आपकी मौत जल्दी हो सकती है, या फिर च्युइंग टोबैको कॉजेस कैंसर। तो अगर टोबैको आप चबाते हैं, तो बेटा उससे आपको कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इस तरह के जो सोशल मैसेज है, ताकि लोग जो है वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कम करना शुरू कर दे, अगर इस मैसेज का उन लोगों पर फर्क पड़े। तो इस तरह के जो सोशल मैसेजिंग वाले काम है, वो भी बेटा एडवर्टीजमेंट के थ्रू एक बिजनेसमैन जरूर करता है सोसाइटी के भले के लिए। अगर हम बात करें सेवंथ इंपोर्टेंस की, तो वो है बेटा मेक्स सोसाइटी स्मार्टर। नाउवेडे एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्राइस, ऑफर्स एंड कंटेंट्स। तो आजकल क्या है बेटा, एडवर्टाइजमेंट में जो प्रोडक्ट होता है ना, उसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स को देनी होती है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट में लिखी रहती है, चाहे वो प्रोडक्ट की प्राइस ही क्यों ना हो, ऑफर्स या डिस्काउंट ही क्यों ना हो, या उस प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल किए गए जो कंटेंट्स थे, जिन जिन चीजों से वो प्रोडक्ट बना हुआ है मिलकर,
तो इन सभी की जानकारी एडवर्टीजमेंट में भली भांति तरीके से दे दी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि नो शॉपकीपर्स कैन मेक फूल द सोसाइटी। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जो शॉपकीपर है आजकल कस्टमर्स को या जो सोसाइटी के लोग हैं उनको वो चीट नहीं कर सकता, उनको वो बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो कंप्लीट जानकारी होती है वो जो सोसाइटी है एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्राप्त कर चुकी होती है। यदि हम लास्ट इंपोर्टेंस की बात करें जो कि एक एडवर्टीजमेंट के सोसाइटी के लिए होने वाले हैं, तो वो है बेटा 8th पॉइंट, और इसमें है लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। एवरी बिजनेसमैन यूजेस एडवर्टाइजिंग टूल टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ हिज प्रोडक्ट। भाई हर जो बिजनेसमैन है ना वो अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए जो एडवर्टीजमेंट है ना उसका इस्तेमाल हमेशा करता है और जरूर करता है। ही मेक्स अवेलेबल अ लार्ज वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर द सोसाइटी, और एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही वो अपने प्रोडक्ट की जो लार्ज वैरायटी है, अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट है उनकी जानकारी वो कस्टमर्स या सोसाइटी को दे सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सोसाइटी के लोग हैं वो एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग जो वैरायटीज है उनको देखने का, उनको यूज करने का उन्हें मौका मिलता है। तो उम्मीद है बेटा आपको सोसाइटी के लिए एक एडवर्टीजमेंट के क्या इंपोर्टेंस है ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कंफ्यूजन को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट के मीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी बिजनेसमैन एडवर्टाइजिंग करने के लिए अपने प्रोडक्ट का कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल करता है। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम बात करें एडवर्टीजमेंट के मीडियम्स के बारे में, मतलब एडवर्टीजमेंट कैसे किया जाता है उनके तरीकों के बारे में, तो बेटा आपको अपनी स्क्रीन पर ये जो 8 तरीके अच्छी तरह से दिखाई दे रहे होंगे उसमें फर्स्ट है बेटा आउटडोर एडवर्टाइजिंग, सेकेंड है प्रिंट और प्रेस मीडिया, थर्ड है मैगजीन और जनरल, फोर्थ है सैंडविचमैन एडवर्टाइजिंग, फिफ्थ है डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग, इसी तरह से बेटा सिक्स्थ है ऑडियो और विजुअल एडवर्टाइजिंग, सेवन्थ है बेटा परचेज पॉइंट एडवर्टाइजिंग, और लास्ट है बेटा स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग। तो चलिए बेटा इस वीडियो में हम इन सभी मीडियम के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। यदि हम एडवर्टीजमेंट के मीडियम के बारे में बात करें तो हमारे सामने जो फर्स्ट मीडियम निकल के आता है वो है बेटा आउटडोर एडवर्टाइजिंग। अभी आउटडोर एडवर्टाइजिंग क्या होता है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग इज डन टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल एट बिजी रोड्स एंड द मार्केट्स। तो बेटा आपने कई बार देखा होगा ना कि जो रोड वगैरह होते हैं, गलियां होती है, मार्केट होते हैं, या जो रेलवे स्टेशन है, अलग अलग तरह के जो स्टेशन होते हैं वहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा होती है, तो उन लोगों का ध्यान अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट तक पहुंचाने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह का जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग है उसका यूज किया जाता है। अगर हम बात करें कि भाई आउटडोर एडवर्टाइजिंग कितने टाइप के होते हैं, तो बेटा ये मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। उसमें फर्स्ट है वॉल पेंटिंग, सेकंड है पोस्टर्स एंड होर्डिंग्स, थर्ड है इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड्स, फोर्थ है बेटा व्हीकुलर डिस्प्ले, और फिफ्थ है बेटा साइनेज एड्स। तो चलिए बेटा अब हम इन 5 टाइप को बड़ी डिटेल से और बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम आउटडोर एडवर्टाइजिंग के फर्स्ट टाइप को देखें तो वो है बेटा वॉल पेंटिंग। इन दिस मीडियम द एडवर्टाइजर राइट्स मैसेज एंड स्लोगन्स अबाउट द प्रोडक्ट्स पेंटेड इन द बोल्ड लेटर्स ऑन द वॉल्स ऑफ शॉप्स, हाउसेज एंड ब्रिजेज। इस मेथड में क्या होता है, जो एडवर्टाइजिंग करने वाला पर्सन होता है ना, जिसको कि हम एडवर्टाइजर बोलते हैं, तो वो क्या करता है बेटा शॉप्स वगैरह, हाउसेज वगैरह और जो ब्रिजेज, पुलिया वगैरह या पुल वगैरह होते हैं ना, उनकी दीवारों पर मोटे मोटे अक्षरों में पेंट करता है, और वो पेंट के थ्रू किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है, उसके स्लोगन्स या उसके बारे में जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है या मैसेज है उनको वो दीवारों पर पेंट करके बताता है। अब उससे होगा क्या कि उस रास्ते से, मतलब उन दुकानों से, उन ब्रिजेस से गुजरने वाले जो लोग हैं वो उस पेंट किए हुए एडवर्टीजमेंट की तरफ जरूर देखेंगे, और इससे थोड़ा इफेक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को खरीदने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह से यदि सेकंड टाइप की बात करें तो वो है बेटा पोस्टर्स एंड होर्डिंग्स। अंडर दिस द एडवर्टाइजर्स पोस्ट द प्रिंटेड पोस्टर्स और होर्डिंग्स। तो बेटा इस मेथड में क्या होता है कि जो पोस्टर्स वगैरह और जो होर्डिंग्स होते हैं ना वो पहले से ही प्रिंटेड होते हैं, और उसमें जो भी कंपनी है उसके प्रोडक्ट के बारे में मैसेज वगैरह लिखा रहता है, और वो जो चीजें हैं वो कहाँ पोस्ट की जाती है, जो क्रॉसिंग्स होते हैं, मेन जो क्रॉसिंग्स होते हैं ना, जो चौराहे होता है जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा रहता है, ऐसे बस स्टैंड वगैरह, इसी तरह से रेलवे जो स्टेशन होते हैं वहां पर इस तरह के पोस्टर्स चिपका दिए जाते हैं। तो वहां पर रहने वाले लोग और वहां से जो गुजरने वाले लोग होते हैं ना, उनकी नजर एक या दो बार तो उस पोस्टर या होर्डिंग पर जरूर पड़ती है, और इस तरह से प्रोडक्ट की सेल में इंक्रीमेंट होने के जो चांसेस होते हैं ना वो ज्यादा बढ़ जाते हैं।
इसी तरह से यदि हम थर्ड टाइप की बात करें तो वो है बेटा इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड्स। अंडर दिस मीडियम द एडवर्टाइजर इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड्स कंसिस्टिंग लाइट्स नियॉन ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो इसमें क्या होता है, जो एडवर्टाइजर होते हैं ना वो अलग अलग तरह के जो इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड्स होते हैं उनको वो इंस्टॉल कर दिया करता है, जिसमें कि बेटा कलरफुल जो लाइट्स होती हैं या फिर जो नियॉन ट्यूब्स होती है ना जो कि बहुत ही चमकीली लाइट होती है, वो भी ऐसे इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड्स पर वो इंस्टॉल कर दिया करते हैं। अब बाद में क्या होता है, दीज बोर्ड्स आर इंस्टॉल्ड परमानेंटली ऑन आयरन पोल्स और ऑन द रूफ्स एट बिजी एरिया। और जो भी बिजी एरिया होते हैं, व्यस्तम जो जगह होती है, वहां पर किसी मकान की छत पर या फिर जो भी आयरन के बने हुए खंबे होते हैं उन पर वो इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड वगैरह जो है इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। और ये स्पेशली बेटा जो रात को है ना इतने इल्यूमिनेट करते हैं, इतने चमचमाते हैं कि बेटा इन बोर्ड्स की तरफ जो है ना वो आने जाने वालों की नजर जरूर पड़ जाती है। ठीक इसी तरह से यदि हम फोर्थ टाइप की बात करें तो वो है बेटा व्हीकुलर डिस्प्लेज। अंडर दिस मीडियम द बिजनेसमैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर एडवर्टाइजिंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द व्हीकल। इसमें क्या होता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, कार बस जीप वगैरह होती है, तो उनमें क्या होते हैं बेटा जो अपने पंपलेट वगैरह और जो पोस्टर्स होते हैं ना वो कार के अंदर या बाहर, मतलब जो भी ये व्हीकल होते हैं बस ट्रेन कार जो भी है इनके अंदर और बाहर उन पोस्टर्स को पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं। और इसके लिए बेटा वो जो क्या करता है, ही हायर्स द व्हीकल फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। और इस तरह से जो वो बिजनेसमैन है वो व्हीकल्स को कुछ स्पेशल टाइम के लिए 10-15 दिन के लिए या एक महीने के लिए किराए पर ले लेता है और उस पर वो पोस्टर चिपकाता रहता है। अगर हम आउटडोर एडवर्टाइजिंग के लास्ट टाइप की बात करें तो उसमें है बेटा साइनेज एडवर्टाइजिंग। दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर एडवर्टाइजिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस। तो बेटा ये जो साइनेज एडवर्टाइजिंग है ना वो इसका इस्तेमाल केवल और केवल अपनी कंपनी का नाम और अपनी कंपनी का एड्रेस बताने के लिए, उसकी पब्लिसिटी करने के लिए ही यूज में लिया जाता है। और इसमें भी कई तरह के जो एडवर्टाइजमेंट है उनको हम इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट है शाई राइटिंग। इस मेथड में क्या होता है बेटा, एरोप्लेन्स यूज केमिकल्स टू फॉर्म वर्ड्स। तो एरोप्लेन जब उड़ते हैं, खैर हमारे देश में तो ये मेथड ज्यादा अप्लाई नहीं है, लेकिन विदेशों में कंपनियां क्या करती हैं, अपने नाम को आकाश में बादलों के रूप में बनाने के लिए स्पेशल केमिकल्स का यूज किया जाता है। जो केमिकल एरोप्लेन उड़ते समय रिलीज करते हैं और वो इस तरह से उड़ते हैं कि वो किसी न किसी शब्द का निर्माण कर लेते हैं और वो शब्द बेटा उस कंपनी का नाम या एड्रेस हो सकता है। और इस तरह के जो शब्द हैं वो कुछ समय बाद में आकाश में गायब हो जाते हैं। अगर हम बात करें साइनेज एडवर्टाइजिंग के सेकंड मेथड की तो वो है बेटा प्लेन बैनर। लार्ज साइंस आर पुल्ड बिहाइंड एन एरोप्लेन। इसमें क्या होता है, जब एरोप्लेन उड़ रहा होता है तो एरोप्लेन के पीछे जो साइन बोर्ड होते हैं, जो पंपलेट या जो पोस्टर्स वगैरह होते हैं वो भी उसके साथ उड़ रहे होते हैं, तो वो हवा में लहराते हुए जाते हैं और इस तरह से जो नीचे चलने वाले लोग होते हैं उनको भी वो एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरह से दिखता है। इसी तरह से हम बात करें थर्ड की तो वो है बेटा मोबाइल बिलबोर्ड्स। बिलबोर्ड्स क्या होते हैं बेटा, ये भी लोहे के बने हुए होते हैं और इसको मोबाइल बिलबोर्ड इसलिए कहा गया है कि ये चलते फिरते रहते हैं, मतलब कोई पिकअप वगैरह किराए पे ले ली, उस पर वो बिलबोर्ड रख दिया, उस बोर्ड पर आपका जो पोस्टर है वो लगा रहता है और आपका एडवर्टाइजमेंट होता रहता है। अब ये बिलबोर्ड क्या होते हैं, जब भी आप हाईवे से गुजरे होंगे तो मोटे मोटे जो लोहे के खंभे होते हैं ना उन पर बड़े चौड़े साइज में लंबे चौड़े जो आपको पोस्टर दिखाई देते हैं ना उनको ही हम बिलबोर्ड्स कहा करते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ टाइप की तो वो है बेटा प्लास्टिक बैग्स। आप तो जानते हैं जब भी आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं या और कोई चीज खरीदने जाते हैं तो जो कंपनी वाले हैं वो अपने प्लास्टिक बैग्स आपको थमा देते हैं या उनमें जो अपना सामान है वो रख के आपको दे दिया करते हैं। तो जो प्लास्टिक बैग है, आप मार्केट से होते हुए घर तक जाओगे तो वो लोगों को नजर तो आएगा ना कि भाई इसने ये चीज कहां से खरीदी है, तो ये भी एक एडवर्टाइजमेंट करने का सबसे बेहतर तरीका है। अगर हम बात करें आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के कुछ फायदे भी होते हैं तो भाई इसके क्या क्या फायदे होते हैं, तो फर्स्ट है बेटा हाईली फ्लेक्सिबल। हाईली फ्लेक्सिबल का मतलब होता है इजीली रिमूवेबल और रीराइटेबल। मतलब क्या होता है, पोस्टर वगैरह ये जो चीजें है ना आप आसानी से कुछ समय बाद में हटा भी सकते हैं, अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में या अपने जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर लाकर उनको सुरक्षित रख भी सकते हैं और जब भी दोबारा आपको वो पोस्टर चिपकाने हो तो उनका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेकंड बेनिफिट की तो वो है बेटा अट्रैक्ट अटेंशन क्विकली। और इस तरह के जो पोस्टर्स होते हैं बड़े स्टाइलिश तरीके से लिखे जाते हैं, मोटे मोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं, रंग बिरंगे कलर में लिखे जाते हैं, तो ये लोगों का ध्यान जल्दी आकर्षित करते हैं प्रोडक्ट की तरफ। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की तो वो है बेटा लॉन्ग लाइफ। और इस तरह के जो पेंट किए हुए एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना वो दीवार पर काफी लंबे समय तक टिके रहते हैं, वो किसी भी तरह से खराब नहीं होते हैं, खराब तो होते हैं लेकिन काफी लंबे समय के बाद में। अगर हम बात करें फोर्थ बेनिफिट की तो वो है टेक्स लेस टाइम टू रीड। तो बेटा इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना उनमें कम ही इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, किसी भी प्रोडक्ट की फोटो होगी, उसकी जानकारी होगी, उसकी प्राइस होगी, उसकी क्वांटिटी के बारे में जानकारी होगी, तो ये कम चीजें इन एडवर्टाइजमेंट में क्या होती है लिखी जाती है। तो इस तरह से जो रीडर होता है या जो भी पब्लिक होती है उसको पढ़ने में कम समय लगता है।
अब हमने क्या है बेटा, आउटडोर जो एडवर्टाइजिंग है ना उसके मेरिट तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं डीमेरिट्स, मतलब इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो फर्स्ट है लो रिटेंशन वैल्यू, इसका मतलब है नॉट मेमोरेबल फॉर लॉन्ग टाइम। भाई लोग क्या है, आते जाते रहते हैं, एक नजर पड़ गई तो आपके एडवर्टाइजमेंट की तरफ देख लिया। अब एक बार देखने से वो चीजें ज्यादा समय तक उसके दिमाग में थोड़ी रहेंगी, कुछ समय के लिए होंगी, 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद में क्या होता है कि इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना वो लोगों के द्वारा भुला दिए जाते हैं। इसी तरह से अगर सेकंड डीमेरिट की बात करें तो वो है बेटा लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन का मतलब होता है पोस्टर वगैरह जो होते हैं वो दीवारों पर चिपका दिए जाते हैं, कुछ समय बाद में जो बच्चे उनको फाड़ देते हैं वो जमीन पर इधर उधर बिखरते रहते हैं। अगर हम बात करें पोल्स की तो आयरन पोल्स पर जो ये होल्डिंग्स वगैरह लगाते हैं तो ये भी तो बेटा जमीन पर अनावश्यक जगह घेरते हैं, तो इस तरह से ये लैंड पोल्यूशन का भी एक कारण बन जाते हैं। अगर हम बात करें थर्ड टाइप की तो वो है बेटा हेल्थ इश्यूज। नियॉन ट्यूब लाइट्स आर बैड फॉर आईज। नियॉन ट्यूब लाइट जो होती है ना बेटा वो काफी गहराई तक आंखों में इफेक्ट पहुंचाती है, क्योंकि उनकी रोशनी जो होती है वो बहुत ही तेज होती है, और कई बार तो क्या होता है उनकी तरफ आपने एक बार देख भी लिया ना तो कुछ समय के लिए आपको चीजें दिखाई देना बंद कर देती हैं। तो इस तरह से जो नियॉन ट्यूब लाइट्स हैं वो आपकी आंखों के लिए खतरा हो सकती हैं। इसलिए मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि रात के समय में इस तरह की लाइट्स की तरफ आप नजर न दौड़ाएं तो ही आपके लिए बेहतर होगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आउटडोर एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसे हमें क्या नुकसान है, उनसे हमें क्या क्या फायदे हैं, अच्छी तरह से हमें आया होगा। यदि हम एडवर्टाइजमेंट के सेकंड मीडियम की बात करें तो वो है बेटा प्रेस और प्रिंट एडवर्टाइजिंग। व्हेन द बिजनेसमैन एडवर्टाइजेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू न्यूज़पेपर्स इट इज कॉल्ड प्रेस एडवर्टाइजिंग और प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग। जब भी कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर्स के थ्रू दिया करता है तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को हम प्रेस या फिर प्रिंट एडवर्टाइजिंग कहा करते हैं। यदि कोई भी बिजनेसमैन न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का तो उन्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। उसमें फर्स्ट है बेटा साइज ऑफ मैसेज, मतलब जो भी मैसेज या जो भी इन्फॉर्मेशन वो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पब्लिक को या अपने कस्टमर्स को देना चाहता है तो सबसे पहले उसे डिसाइड करना होगा कि जो भी वो एडवर्टाइजमेंट करने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन या जो मैसेज है उसकी साइज क्या होगी, मतलब उस मैसेज में वो किन किन बातों को इंक्लूड करेगा। मैसेज का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही खर्चा बिजनेसमैन को एडवर्टाइजमेंट पर उठाना पड़ता है। यदि हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है ज्योग्राफिकल रीजन। सबसे पहले एक बिजनेसमैन को ये डिसाइड करना होगा कि वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की रीच कहां तक लेना चाहता है। यदि वो अपने प्रोडक्ट को लोकल एरिया में एडवर्टाइज करवाना चाहता है तो उसे लोकल न्यूज़पेपर को चुनना होगा। यदि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की जानकारी या जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टेट या नेशनल लेवल पर देना चाहता है तो उसे उस तरह का अखबार चुनना होगा। यदि हम बात करें थर्ड पॉइंट की तो वो है बेटा कॉस्ट ऑफ स्पेस। इसके अंतर्गत किसी भी बिजनेसमैन को ये डिसाइड करना पड़ता है कि यदि उसने मैसेज या पूरी डिटेल अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में देना चाहता है तो वो अखबार में ज्यादा जगह घेरेगा, और ज्यादा जगह घेरेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो खर्चा है एडवर्टाइजमेंट करने का वो भी ज्यादा आएगा। तो इन तीन पॉइंट्स का एक बिजनेसमैन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का जो एडवर्टाइजमेंट है वो न्यूज़पेपर के थ्रू देना चाहता है। यदि हम टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग की बात करें, मतलब एडवर्टाइजमेंट जो न्यूज़पेपर में दिया जाता है वो बिजनेसमैन दो तरीकों से न्यूज़पेपर में ऐड दे सकता है, जिसमें फर्स्ट है क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग और सेकंड है बेटा नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग। अभी दोनों टाइप के जो एडवर्टाइजिंग होते हैं वो क्या होते हैं तो चलिए बेटा अब आगे जाकर हम ये देखेंगे कि इन दोनों तरह के एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है। यदि हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग की बात करें तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग is printed at specified page under following specific headings. तो बेटा न्यूज़पेपर में क्या होता है, एक स्पेशल पेज होता है, उस पेज पर आप केवल और केवल एडवर्टाइजमेंट ही देख पाएंगे। तो इस तरह की जगह पर यदि कोई भी एड चलता है या कोई भी एड प्रिंट करवाया जाता है स्पेसिफिक हेडिंग के अंडर में तो उस एडवर्टाइजमेंट को हम बोला करते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। जैसे आपने अपने न्यूज़पेपर में ये जो हेडिंग मैंने यहाँ पे 6 हेडिंग्स लिखी हुई है वो जरूर किसी ना किसी एक स्पेशल पेज पर जरूर देखी होगी, जिसमें फर्स्ट है टेंडर्स, और टेंडर्स वाली जो हेडिंग होती है या जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं इनमें केवल और केवल टेंडर वाले एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं। ऑक्शन में क्या होता है बेटा, किन्हीं चीजों की नीलामी करनी हो तो इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट है वो ऑक्शन के अंडर में आते हैं। ऐसे जॉब वाले, परचेज और सेल वाले, एजुकेशन या मैट्रिमोनियल्स, मैट्रिमोनियल्स का मतलब होता है शादी के लिए, विवाह करने के लिए, जो भी लड़की या लड़के होते हैं ना उनकी जो पूरी डिटेल है वो मैट्रिमोनियल हेडिंग में लिखी जाती है। तो इस तरह से न्यूज़पेपर के स्पेसिफिक जो पेज होते हैं वहां पर स्पेसिफिक हेडिंग के अंडर में जो भी एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं उनको हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहते हैं।
अगर हम बात करें नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग की, तो बेटा नॉन क्लासिफाइड एड्स जो होते हैं ना, ये प्रिंट होते हैं कहाँ पर? ऑन एनी पेज ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर के किसी भी पेज पर आप इन एड्स को दिखा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजर्स चॉइस, एक एडवर्टाइजर या जो बिजनेसमैन है अपनी चॉइस के हिसाब से न्यूज़पेपर के किसी भी पेज पर इस तरह का एड जो है अपने प्रोडक्ट का दिखा सकता है। इसी के साथ में अट्रैक्टिव कलर्स एंड पिक्चर्स आर यूज्ड टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और जो नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, उनमें किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की इन्फॉर्मेशन दिखानी हो, उसका मैसेज देना हो, तो वो बेटा काफी कलरफुल स्टाइल में लिखा जाता है, और उसके साथ में आप अपनी जो पिक्चर्स हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हो। अगर हमें क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड एड्स को अच्छी तरह से समझना है, तो हमें इनका डिफरेंस निकालना होगा। तो यहाँ पर बेटा जो आपको टेबल दिख रही है, तो इस टेबल के थ्रू मैं आपको क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड जो एड्स होते हैं ना, उनके बीच में डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। अगर हम बात करें फर्स्ट डिफरेंस की, तो वो है बेटा स्पेस रिक्वायरमेंट। तो जो क्लासिफाइड एड्स होते हैं, जो कि एक स्पेशल जगह पर ही न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं, तो बेटा इस तरह के जो एडवर्टीजमेंट है ना, वो कम जगह घेरा करते हैं, इनके लिए जो जगह है वो निश्चित हुआ करती है। लेकिन नॉन क्लासिफाइड एड्स के लिए ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर हमें पिक्चर्स वगैरह और जो कलरफुल आर्ट वगैरह है उनका भी यूज किया जा सकता है। अगर हम सेकेंड डिफरेंस की बात करें, तो वो है एक्सपेंसिव। मतलब क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड जो एड्स है ना, उनमें से कौन सा एड ज्यादा एक्सपेंसिव होता है? तो बेटा यदि क्लासिफाइड एड्स की बात करें, तो बेटा ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब कम खर्चीले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी कलरफुल इमेज का यूज नहीं करना होता है। सिंपली बोल्ड काले अक्षरों में ही आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में मैसेज दे सकते हैं। लेकिन नॉन क्लासिफाइड एड्स में क्या होता है बेटा, आप पिक्चर्स वगैरह और अट्रैक्टिव जो स्टाइल्स होती है, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा जगह भी ले सकते हैं, और इस वजह से जो नॉन क्लासिफाइड एड्स होते हैं वो ज्यादा महंगे होते हैं। अगर हम बात करें थर्ड डिफरेंस की, तो वो है बेटा कलरफुल। तो जो क्लासिफाइड एड्स होते हैं ना, ये ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इनके लिए एक स्पेशल जगह होती है और उसी जगह पर बेटा ये मैसेज लिखने होते हैं। ये सिंपली काले अक्षरों में लिखे रहते हैं, जबकि हम बात करें नॉन क्लासिफाइड एड्स की, तो ये बेटा कलरफुल भी होते हैं और अट्रैक्टिव भी होते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के कुछ फायदों के बारे में बात करें, मतलब इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो फर्स्ट फायदा है बेटा चीप। जो भी बिजनेसमैन होता है, उसके लिए न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट बहुत ही सस्ता होता है बाकी जो भी मीडियम है एडवर्टीजमेंट करने के उनके कंपैरिजन में। यदि हम सेकंड एडवांटेज या मेरिट की बात करें, तो वो है बेटा टाइमलीनेस। क्योंकि जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं ना बेटा, वो रोजाना सुबह सुबह घरों में सप्लाई कर दिए जाते हैं, तो इस तरह से जो एडवर्टीजमेंट है वो भी सुबह सुबह घरों तक पहुंच जाता है। ठीक इसी तरह से यदि हम थर्ड बेनिफिट की बात करें, तो वो है प्रेस इनकम सोर्स। और बेटा जैसे ऐड वगैरह किसी न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं, तो ये न्यूज़पेपर के लिए एक बड़े इनकम सोर्स के रूप में उभर कर सामने आते हैं। यदि हम फोर्थ बेनिफिट की बात करें, तो वो है बेटा वाइड कवर। क्योंकि जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित नहीं होते हैं, वो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल पर सप्लाई किए जाते हैं। इसीलिए जो बिजनेसमैन है, वो अपने प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट है न्यूज़पेपर के थ्रू करके एक बहुत ही बड़ी पब्लिक को, एक बहुत बड़े कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक इसी तरह से यदि हम न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स की बात करें, तो उसमें फर्स्ट है बेटा कैजुअल अटेंशन। क्योंकि न्यूज़पेपर में दिए गए जो एड्स हैं, उन पर जो कस्टमर्स है ना, कभी कभार ही ध्यान दिया करते हैं, अपना फुल अटेंशन इस तरह के एडवर्टीजमेंट को नहीं दिया करते हैं। यदि सेकंड डीमेरिट की बात करें, तो वो है बेटा शॉर्ट लाइफ। क्योंकि बेटा जो पब्लिक है ना, न्यूज़पेपर्स वगैरह को कुछ समय के लिए पढ़ती है, सुबह सुबह पढ़ती है, कभी कभी शाम को पढ़ लेती है, तो जब तक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तब तक तो जो वो एडवर्टीजमेंट है वो उनके दिमाग में रहते हैं। लेकिन जैसे न्यूज़पेपर बंद करके काम में बिजी हो गए, तो फिर इस तरह से बेटा उनका जो ध्यान है एडवर्टीजमेंट की तरफ से हट जाता है। यदि हम थर्ड डिसएडवांटेज की बात करें, तो वो है बेटा यूजलेस फॉर इलिटरेट पर्सन। तो जो भी अशिक्षित अनपढ़ लोग होते हैं, उनके लिए न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट कोई भी फायदे वाला नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, तो वो एडवर्टीजमेंट को कैसे पढ़ पाएंगे। अगर हम बात करें फोर्थ डीमेरिट की, तो वो है बेटा नॉट अट्रैक्टिव। क्योंकि जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं, स्पेशली जो क्लासिफाइड होते हैं, वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, तो लोगों का ध्यान भी कम ही जाता है इस तरह के एडवर्टीजमेंट की तरफ। अगर हम एडवर्टीजमेंट के मीडियम नंबर थर्ड की तरफ देखें, तो वो है बेटा मैगजीन और जनरल एडवर्टाइजिंग। व्हेन द बिजनेसमैन एडवर्टाइज हिज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पीरियोडिकली थ्रू मैगजीन्स, इट इज कॉल्ड प्रेस मैगजीन और जनरल एडवर्टाइजमेंट। तो बेटा यदि कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट किसी मैगजीन के थ्रू करवाता है, जो कि बेटा पीरियोडिकली लॉन्च की जाती है, पब्लिश की जाती है, और इस तरह की जो मैगजीन्स होती हैं वीकली या मंथली पब्लिश जरूर होती हैं, तो इन मैगजीन्स के थ्रू किए गए एडवर्टीजमेंट को हम मैगजीन या फिर जनरल एडवर्टीजमेंट कहा करते हैं।
यदि हम मैगजीन के कैटेगरी के बारे में बात करें, मतलब ये बात कहना चाहें कि भाई मैगजीन किस तरह की हुआ करती हैं, किन किन तरह की मैगजीन्स आपको देखने को मिल सकती है मार्केट में, तो बेटा उसमें फर्स्ट है इंडिया टुडे नाम की भी एक मैगजीन आती है जो कि बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, बिजनेस और क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज को कवर किया करती है। अगर हम सेकंड मैगजीन की बात करें तो वो है बेटा फिल्म फेयर मैगजीन, जो कि बॉलीवुड और सेलिब्रिटी से रिलेटेड जो आपको अपडेट्स दिया करती है। इसी तरह से हम बात करें थर्ड मैगजीन की तो वो है बेटा बिजनेस टुडे, जिसमें कि आपको बिजनेस से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड न्यूज मिल सकती है। इसी तरह से यदि हम वोग मैगजीन की बात करें तो इस मैगजीन में आपको फैशन, बॉलीवुड और ब्यूटी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिल सकते हैं। यदि हम बात करें फ्रंटलाइन मैगजीन की तो बेटा इसमें इंडिया से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। यदि हम बात करें डिजिट मैगजीन की तो बेटा इस मैगजीन में आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। यदि हम बात करें वर्ब मैगजीन की तो बेटा इस मैगजीन में आपको वीमेन यानी औरतों से रिलेटेड जो भी लग्जरी लाइफ स्टाइल जी जाती है तो उन लाइफ स्टाइल्स के बारे में ये मैगजीन आपको बताती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक बिजनेसमैन है ना, वो अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं और अपने बजट को ध्यान में रखकर इनमें से किसी भी मैगजीन को चुन सकता है और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट इन मैगजीन्स में चला सकता है। यदि हम न्यूज़पेपर एड्स और मैगजीन एड्स में डिफरेंस करना चाहें तो इसके लिए हमें इस टेबल को ध्यान से देखना होगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट है बेटा पब्लिशिंग टाइम। तो न्यूज़पेपर जो होते हैं वो डेली इशू किए जाते हैं, डेली पब्लिश किए जाते हैं, इसलिए न्यूज़पेपर में जो एड्स हैं रोजाना डाल सकते हैं, रोजाना दे सकते हैं। यदि हम मैगजीन की बात करें तो मैगजीन वीकली या मंथली पब्लिश होती है, तो इनमें एक बिजनेसमैन जो है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो एडवर्टाइजमेंट है वीकली या मंथली बेसिस पर दे सकता है। यदि हम सेकंड बेसिस की बात करें तो वो है बेटा कॉस्टली। तो बेटा एक बिजनेसमैन जो होता है ना, वो न्यूज़पेपर के थ्रू अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देना चाहता है, तो इस तरह से उन पर जो आने वाला खर्चा है वो उसके लिए कम हो सकता है, जबकि मैगजीन में यदि वो एडवर्टाइजमेंट देना चाहता है तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट के लिए उसे ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें थर्ड बेसिस की तो वो है बेटा अट्रैक्टिव एड्स, क्योंकि बेटा जो न्यूज़पेपर का जो पेज होता है या जो पेपर होता है ना, वो रफ होता है, रफ क्वालिटी का होता है, तो न्यूज़पेपर में आप ज्यादा अट्रैक्टिव एड्स नहीं डाल सकते हैं। इसी के साथ में यदि मैगजीन की बात करें तो मैगजीन के जो पेज होते हैं ना, वो काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और वहां पर आप अट्रैक्टिव एड्स वगैरह को इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो जो एड का खर्चा है वो आपके लिए महंगा जरूर होगा, लेकिन वो काफी अट्रैक्टिव दिखाई देगा। यदि हम एडवर्टाइजमेंट के फोर्थ मीडियम के बारे में बात करें तो वो है बेटा सैंडविचमैन एडवर्टाइजिंग। इन दिस मीडियम टू प्रिंटेड बोर्ड्स और पोस्टर्स आर हंग टू द फ्रंट साइड एंड द बैक साइड ऑफ ए पर्सन टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है बेटा, एक व्यक्ति होता है और उसके आगे और पीछे पोस्टर्स या जो बोर्ड है वो लगा दिए जाते हैं और वो जो व्यक्ति है बेटा मार्केट में घूमता रहता है और उन बोर्ड या पोस्टर्स पर किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट पेस्ट किया हुआ होता है। तो दिस मैन इज कॉल्ड सैंडविच मैन और ह्यूमन बिलबोर्ड, और जो ये आदमी होता है उसको ही हम बेटा सैंडविच मैन या ह्यूमन बिलबोर्ड कहा करते हैं, और इस सैंडविच मैन के द्वारा किए गए एडवर्टाइजमेंट को हम सैंडविच मैन एडवर्टाइजिंग कहा करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड बाय लोकल बिजनेसमैन, और ये जो मेथड है ना, भाई किसी भी व्यक्ति को किराए पर हायर कर लेना और उसकी पीठ पर या उसके सामने के साइड में जो भी बोर्ड वगैरह हैं पोस्टर से लटका देना, तो इस तरह का जो मेथड है वो एक लोकल बिजनेसमैन के द्वारा ही यूज में लिया जाता है टू प्रमोट प्रोडक्ट्स स्पेशली इन फेस्टिवल सीजन एट मॉल्स एंड मार्केट प्लेस। और इस तरह का जो एडवर्टाइजमेंट है वो फेस्टिवल सीजन में ही किया जाता है, जो कि कहां पर किया जाता है, बड़े बड़े मॉल्स में या फिर जो भी मार्केट प्लेसेस होते हैं, क्राउडेड जो एरियाज होते हैं वहां पर इस व्यक्ति को भेज दिया जाता है, और वो जहां जहां जाता है तो उस व्यक्ति को आसपास के लोग और जो दूसरे कस्टमर हैं वो देखा करते हैं, और इस तरह से जो भी लोकल बिजनेसमैन है वो इस मीडियम के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। यदि हम एडवर्टाइजमेंट के फिफ्थ मीडियम के बारे में बात करें तो वो है बेटा डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। इन दिस मेथड द बिजनेसमैन सेंड्स द प्रिंटेड मैसेज टू द कस्टमर्स। इसमें क्या होता है, जो भी बिजनेसमैन होता है ना बेटा, वो अपने कस्टमर को प्रिंटेड जो मैसेज है वो भेजा करता है, किसके थ्रू, ईमेल या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू उनको वो मैसेज भेजा जाता है इन्फॉर्मिंग अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, और उस मैसेज में आने वाले नए प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी हुई होती है। अगर हम बात करें डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग के क्या फायदे होते हैं तो फर्स्ट बेटा इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, बिजनेसमैन को सिर्फ और सिर्फ मैसेज लिखना पड़ता है, कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। अगर हम बात करें सेकंड एडवांटेजेस की तो वो है बेटा पर्सनल टच।
मतलब क्या होता है कि जब भी बिजनेसमैन एक किसी पर्टिकुलर कस्टमर को ये मैसेज भेजता है तो उस कस्टमर को ये फील होता है कि चलो मेरे को उस बिजनेसमैन के द्वारा मैसेज भेजा गया है, मतलब उसने मेरे को वैल्यू दी है या इम्पोर्टेंस दिया है। अगर हम बात करें थर्ड एडवांटेज की तो वो है बेटा फ्लेक्सिबिलिटी। इस तरह के जो मैसेजेज होते हैं ना, एक बार भेजने के बाद में यदि उस मैसेज में आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आप आसानी से एडिटिंग करके उस मैसेज को चेंज कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि भाई इसका नुकसान क्या होता है, तो बेटा इसमें एक ही नुकसान होता है, वो है लिटिल अटेंशन। मतलब इस तरह के जो मैसेजेस वगैरह आपके मोबाइल पर आते हैं तो उन पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप ये सोचते हैं कि भाई ये तो कंपनी की तरफ से मैसेज आया है, और इस तरह से आप उस मैसेज को इग्नोर कर दिया करते हैं। अगर हम सिक्स्थ मीडियम की बात करें तो वो है बेटा ऑडियो एंड विजुअल एडवर्टाइजिंग। ऑडियो एड का मतलब होता है जो भी प्रोडक्ट होता है ना, उनका एडवर्टाइजमेंट हम रेडियो के माध्यम से करते हैं, जिसमें कि आपकी केवल आवाज जाती है। और ये जो माध्यम है बेटा, इलिटरेट पर्सन के लिए भी यूजफुल होता है, क्योंकि जो इलिटरेट पर्सन है उसको पढ़ना लिखना ही तो नहीं आता, सुन तो सकता है ना आराम से। इसी तरह से अगर हम बात करें विजुअल एड्स की, तो इसमें जो भी प्रोडक्ट होता है उसका एडवर्टाइजमेंट हम टीवी और सिनेमास के थ्रू दिया करते हैं। अब इसके कुछ अगर फायदे देखें तो फर्स्ट फायदा है बेटा वाइड अपील। मतलब कोई भी जो बिजनेसमैन है ना, वो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करके एक बहुत बड़े कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि आजकल हर घर में रेडियो और टीवी देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें सेकंड बेनिफिट की तो वो है बेटा रिपीटेशन। मतलब इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, टीवी या रेडियो पर टेलीकास्ट किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें ऑडियो और विजुअल एडवर्टाइजमेंट के डिसएडवांटेज की, तो फर्स्ट है बेटा कॉस्टली। मतलब टीवी या रेडियो पर एडवर्टाइजमेंट देना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ही महंगा सौदा साबित होता है, क्योंकि इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, उनमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इसी तरह से सेकंड डीमेरिट की बात करें तो वो है बेटा इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि एक बार आपने टीवी या रेडियो पर एडवर्टाइजमेंट दे दिया है तो बेटा आप बाद में उस एडवर्टाइजमेंट में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से यदि हम एडवर्टाइजमेंट के सेवंथ मीडियम की बात करें तो वो है बेटा परचेज पॉइंट एडवर्टाइजिंग। इसके दूसरे नाम भी हैं, जिसको कि हम POP के नाम से भी जानते हैं और POS के नाम से भी जाना जाता है। POP की फुल फॉर्म है बेटा पॉइंट ऑफ परचेज, और POS का मतलब है पॉइंट ऑफ सेल। और इस तरह का जो एडवर्टाइजमेंट है वो वहीं पर किया जाता है जहां पर कि कस्टमर्स आकर अपनी खरीदारी किया करते हैं, या जो सेल्समैन होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को सेल किया करते हैं, इसीलिए इनको पॉइंट ऑफ परचेज या पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। In this method, some glass-made displays or TV monitor or banners are put in retail stores by the manufacturers. इसमें क्या होता है, जो manufacturer होता है ना, businessman जो होता है, वो अपने जो glass से बने हुए displays हैं, या जो TV के monitors हैं, या जो banners हैं, वो retail stores में लगा दिया करता है, और इसके बदले में बेटा वो जो रिटेल स्टोर कीपर होता है उसको वो कुछ पैसे दे दिया करते हैं। और जो रिटेल स्टोर होते हैं ना, वो रेगुलर बेसिस पर जो भी चेंजेस होते हैं ऑफर में, उन ऑफर्स को बेटा वो मॉनिटर में जाकर एडिट करके चेंज कर दिया करते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम एट्थ मीडियम की बात करें तो वो है बेटा विंडो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। अंडर दिस मीडियम द मैन्युफैक्चरर टेल्स द शॉपकीपर्स टू डिस्प्ले हिज प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो शॉपकीपर को ये कहा करता है कि भाई जो उसके जो प्रोडक्ट हैं वो उनको डिस्प्ले करे। कहाँ डिस्प्ले करे, इन ग्लास विंडो, मतलब उसके जो काउंटर वगैरह होते हैं ना दुकान के जस्ट सामने, तो उन्हीं में उनके प्रोडक्ट को वो डिस्प्ले करे। इन द शॉप्स फ्रंट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स अटेंशन, कि वो दुकान के जस्ट सामने या पहली पंक्ति में, पहली लाइन में उसके प्रोडक्ट को शो करे, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों और उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाएं। अगर हम एडवर्टाइजमेंट के लास्ट मीडियम की बात करें तो वो है बेटा नाइन्थ पॉइंट, और इसमें है स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग। जो भी मैन्युफैक्चरर है वो अलग अलग तरीकों से अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अलग अलग मीडियम का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे वो अपने कस्टमर्स को डायरीज वगैरह, की वगैरह, पर्सेस वगैरह, पेन होल्डर्स, कैरी बैग्स, कैलेंडर वगैरह, बोटल्स वगैरह दे दिया करता है, और इन सभी चीज़ों पर बेटा उस मैन्युफैक्चरर की कंपनी का नाम, उसके ब्रांड का नाम, और साथ में उस कंपनी का एड्रेस भी लिखा हुआ करता है। तो जैसे ही ये जो सभी चीजें है ना कस्टमर्स के पास में जाएंगी, जो कि फ्री आइटम के रूप में दिया जाता है, तो इन सभी चीजों पर ये सब नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह लिखे रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको एडवर्टाइजमेंट के जो बकाया जो मीडियम्स थे ना, वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा।
यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें, तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर टेक्निक का मतलब है कि कोई भी एडवर्टाइजर अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते समय क्या क्या चीजों को लिखता है या बोलकर कस्टमर्स को समझाने की कोशिश करता है, जिसको देखकर या सुनकर जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट को जल्द से जल्द खरीदने की कोशिश करता है और बाद में जाकर उस प्रोडक्ट की जो सेल है वो डे बाई डे बढ़ जाती है। तो चलिए बेटा, ऐसे ही कुछ टेक्निक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर हम एडवर्टाइजमेंट के टेक्निक के बारे में बात करें तो इस वीडियो में बेटा मैं 13 टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा, जिनमें फर्स्ट है इमोशनल अपील, फिर है प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग, बैंडवैगन एडवर्टाइजिंग, अनफिनिश्ड एडवर्टाइजिंग, फैक्ट्स एंड स्टैटिक्स वगैरह, पैट्रियोटिक एडवर्टाइजिंग, वेजल वर्ड्स, एंडोर्समेंट, कॉम्प्लीमेंटिंग कस्टमर्स, क्वेश्चनिंग कस्टमर्स, ब्राइब, आइडल फैमिली एंड सरोगेट एडवर्टाइजिंग। तो ये कुछ इस तरह से 13 जो टेक्निक्स है ना, उसको हम कम्प्लीटली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम एक एक टेक्निक को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम फर्स्ट टेक्निक के बारे में बात करें तो वो है इमोशनल अपील। इन दिस टेक्निक द एडवर्टाइजर टेल्स द कस्टमर्स अबाउट इम्प्रूविंग देयर नीड्स एंड समटाइम्स मेक्स देम अफ्रेड सो दैट दे कैन बाय हिज प्रोडक्ट्स। इस टेक्निक में क्या होता है, जो एडवर्टाइजर होता है ना, जो बिजनेसमैन हुआ करता है, वो कस्टमर्स को उनकी नीड्स को इम्प्रूव करने के लिए और कभी कभी उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में डरा कर भी अपने प्रोडक्ट की सेल किया करता है। इमोशनल अपील में एक एडवर्टाइजर दो फैक्टर का प्रयोग किया करता है, जिसमें फर्स्ट है नीड फैक्टर और सेकेंड है बेटा फियर फैक्टर। नीड फैक्टर में वो उन सभी बातों को कस्टमर्स को बताता है कि अब कस्टमर्स के लिए टाइम आ गया है कि वो अपनी जरूरतों को चेंज करें, जैसे नीड टू बिकम अट्रैक्टिव। यदि कोई एडवर्टाइजर कस्टमर को यह कहता है कि अगर तुम्हें अट्रैक्टिव दिखना है तो आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। इसी के साथ में नीड फॉर नॉट बीइंग इग्नोर्ड, यदि आपको कोई भी व्यक्ति इग्नोर कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो आपको इग्नोर न करे तो आप हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करिए, तो कोई भी व्यक्ति आपको इग्नोर नहीं करेगा, आपकी हमेशा तारीफ ही किया करेगा। इसी तरह से नीड फॉर समथिंग न्यू, यदि आपको कुछ नया चाहिए, कोई नई वैरायटी चाहिए, तो आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। इसी तरह से यदि हम फियर फैक्टर की बात करें तो इसमें जो एडवर्टाइजर है वो कस्टमर्स को उनके फ्यूचर से रिलेटेड चीजों को लेकर डराने की कोशिश करता है, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो अपनी इन चीजों को सिक्योर कर पाए। जैसे मान लीजिए LIC वगैरह, जो इंश्योरेंस वगैरह कंपनियां होती है ना, वो क्या करती हैं, कस्टमर्स को उनकी सिक्योरिटी के बारे में अलार्म करती है, उनको चेतावनी दिया करती है कि यदि आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा लेंगे तो आपका जो फ्यूचर है बिल्कुल सिक्योर होगा। अगर हम बात करें सेकंड टेक्निक की तो वो है प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग। इन दिस टेक्निक द एडवर्टाइजर गिव्स फ्री सैंपल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू गेन अटेंशन ऑफ द कस्टमर्स। इसमें जो एडवर्टाइजर होता है या जो बिजनेसमैन होता है ना, वो कस्टमर्स का अटेंशन गेन करने के लिए, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनको मेन प्रोडक्ट के साथ में कुछ फ्री सैंपल्स भी दिया करता है। और ये जो फ्री सैंपल वाली टेक्निक है, मतलब जो प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग वाली जो टेक्निक है ना, वो ट्रेड फेयर और एड कैंपेन्स जो कंपनी के द्वारा चलाए जाते हैं वहां पर ये चीज अप्लाई की जाती है। अगर हम बात करें थर्ड टेक्निक की तो वो है बैंडवैगन एडवर्टाइजिंग। इन दिस टेक्निक द एडवर्टाइजर कन्विंस द कस्टमर्स टू जॉइन द ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बोट देयर प्रोडक्ट्स। इस टेक्निक के अंतर्गत जो एडवर्टाइजर होता है वो कस्टमर से रिक्वेस्ट करता है, उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप हमारे ऐसे लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाइए जो कि हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि वो जो कस्टमर है वो एक ऐसे बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा बन जाता है और अपने आप को बड़ा सेटिस्फाई फील किया करता है। जैसे पैंटीन शैम्पू अपने एड में कहा करता है कि 15 करोड़ विमेन ट्रस्टेड पैंटीन एंड यू, मतलब जो 15 करोड़ औरतें हैं ना वो हमारे पैंटीन शैम्पू का इस्तेमाल करती है, और फिर बाद में बोल देता है एंड यू, मतलब आपके बारे में क्या राय है, क्या आप भी इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहेंगे। तो इस तरह की टेक्निक को हम बैंडवैगन एडवर्टाइजिंग कहा करते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ टेक्निक की तो वो है अनफिनिश्ड एडवर्टाइजिंग। इन दिस टेक्निक द एडवर्टाइजर गिव्स हाफ इंफॉर्मेशन इन अट्रैक्टिव वे, ही हाइड्स सम पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। इस टेक्निक में क्या होता है, जो बिजनेसमैन है ना वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी आधी अधूरी सूचना दिया करता है, और वो भी बड़े अट्रैक्टिव तरीके से। इसी के साथ में वो कुछ हिस्सा छुपा भी लिया करता है। जैसे हॉर्लिक्स है, हॉर्लिक्स का जब एडवर्टाइजमेंट आता है ना तो उसमें लिखा होता है मोर न्यूट्रिशन डेली, तो इसमें लिखा रहता है कि आपको रोजाना
यहाँ जो हॉर्लिक्स है ना वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशंस देने की गारंटी देता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि कितना ज्यादा, मतलब परसेंटेज में वो इस बात को शो नहीं करता है। अगर हम बात करें फिफ्थ टेक्निक की तो वो है फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स वगैरह। इन दिस टेक्निक द एडवर्टाइजर यूज नंबर्स टू शो हाउ गुड देयर प्रोडक्ट वर्क्स बेटर। इस टेक्निक में जो एडवर्टाइजर होता है ना वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ नंबर्स को शो किया करता है। उस नंबर को देखकर कस्टमर काफी अट्रैक्ट होते हैं और वो ये सोचा करते हैं कि जब इतने सारे लोग इस पर विश्वास करते हैं तो हमें भी एक बार ट्राई करना चाहिए। जैसे लाइजोल जो है क्लीनर, वो ये कहता है कि फ्लोर क्लीनर क्लीन्स 99.99% जर्म्स। तो जब कस्टमर्स को ये पता चलता है कि लाइजोल जो फ्लोर क्लीनर है ना वो 99% जर्म्स क्लियर कर देता है, तो क्यों ना हम भी इस प्रोडक्ट को खरीदें। इसी तरह से जो कोलगेट है वो भी अपने एडवर्टीजमेंट में कहा करता है कि दुनिया के जितने भी डेंटिस्ट हैं उनमें से 70% डेंटिस्ट कोलगेट पर विश्वास किया करते हैं। तो जब इस तरह के फैक्ट्स और फिगर्स कस्टमर्स को पता चलते हैं तो उन कस्टमर्स का उस प्रोडक्ट पर विश्वास बन जाता है। यदि हम सिक्स्थ टेक्निक की बात करें तो वो है पैट्रियोटिक एडवर्टाइजमेंट। दीज एडवर्टाइजमेंट शो हाउ वन कैन सपोर्ट वन्स कंट्री बाय यूजिंग देयर प्रोडक्ट। इस टेक्निक में जो एडवर्टाइजर है वो अपने प्रोडक्ट के लिए ये कहा करता है कि भाई अगर आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इसका कुछ निश्चित जो परसेंटेज है वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज में लिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल लिखे हैं, क्लासमेट और डाबर हेयर ऑयल का। ये अपने एडवर्टीजमेंट में कहा करते हैं कि इफ यू बाय द प्रोडक्ट, यदि आप प्रोडक्ट खरीदेंगे हमारा, तो यू आर गोइंग टू हेल्प अ चाइल्ड टू गो टू स्कूल। तो आप एक बच्चे को स्कूल जाने में मदद करेंगे। तो इस एडवर्टीजमेंट का मतलब ये होता है कि यदि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारे प्रोडक्ट के बेचने से जितना भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज हम बच्चों के एजुकेशन पर खर्च किया करेंगे। ठीक इसी तरह से यदि हम सेवंथ टेक्निक की बात करें तो वो है विजुअल वर्ड्स। विजुअल वर्ड्स का मतलब होता है बड़े कनिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है चालाकी भरे अंदाज में। जैसे इन दिस टेक्निक द एडवर्टाइजर डोंट से दैट दे आर द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। मतलब इस टेक्निक में एडवर्टाइजर ये तो नहीं कहता कि भाई जितने भी हमारी कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं उनमें हम सबसे बेस्ट हैं, लेकिन वो इस बात को लेकर मना भी नहीं करते कि भाई हम बेस्ट हैं या नहीं हैं। जैसे सनसिल्क का एड आता है, आपको पता है ना कि ये हेयर शैम्पू का एडवर्टीजमेंट किया करता है और ये अपने एडवर्टीजमेंट में कहा करता है रेड्यूसेस हेयर फॉल, मतलब आपके जो बालों की गिरावट है या जो आपके बाल है ना वो झड़ना कम हो जाएंगे। बट डोंट से, लेकिन ये नहीं कहता कि स्टॉप हेयर फॉल, कि ये आपके बालों के झड़ने को रोक लेगा, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कहता है। यदि हम एट टेक्निक की बात करें तो वो है एंडोर्समेंट। इन दिस टेक्निक द एडवर्टाइजर्स अपॉइंट सेलिब्रिटीज टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स सो दैट देयर फॉलोअर्स में बाय द प्रोडक्ट। इस टेक्निक में जो एडवर्टाइजर होता है या जो बिजनेसमैन होता है ना वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को हायर किया करते हैं अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए, ताकि आगे जाकर जो उन सेलिब्रिटीज के जो फॉलोअर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं या उनको जो पसंद करते हैं, तो इस तरह के जो फॉलोअर्स हैं वो लाखों करोड़ों में हुआ करते हैं, तो वो फॉलोअर्स भी आगे जाकर उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देते हैं। इस तरह से वो अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाया करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है वो कल्याण ज्वेलर्स की एडवर्टीजमेंट करता है, करीना कपूर लैक्मे काजल की एडवर्टीजमेंट किया करती है, सलमान खान पेप्सी का एडवर्टीजमेंट किया करता है। तो इन सभी सेलिब्रिटीज के जो फॉलोअर्स हैं वो इन प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल किया करते हैं। यदि हम बात करें नाइन्थ टेक्निक की तो वो है कॉम्प्लीमेंटिंग कस्टमर्स। इन दिस टेक्निक द एडवर्टाइजर यूजेस कॉम्प्लीमेंटिंग वर्ड्स फॉर कस्टमर्स। तो इस टेक्निक में क्या होता है, जो एडवर्टाइजर होता है ना वो कस्टमर्स के लिए कॉम्प्लीमेंटिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया करता है, मतलब उनको आशीर्वाद या फिर उनके भविष्य की कामना किया करता है। जैसे हम देखें गार्नियर हेयर कलर वाली जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट में टेक केयर वर्ड्स का इस्तेमाल करती है, पतंजलि हेयर ऑयल वाला जो है वो जुग जुग जियो वाले कॉम्प्लीमेंटिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, ऐसे रेवलॉन जो मेकअप कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट में बिकॉज यू वर्थ इट, मतलब कि आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया तो मतलब आप इसके लायक थे इसीलिए आप इसको यूज कर रहे हैं, और कस्टमर्स इसको यूज नहीं कर रहे हैं मतलब वो इसके लायक नहीं है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लीमेंटिंग वर्ड्स हैं वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। ठीक इसी तरह से यदि हम 10th टेक्निक की बात करें तो वो है क्वेश्चनिंग द कस्टमर्स। In this technique, the advertiser asks some questions to the customers to get response for their product. इस टेक्निक में जो एडवर्टाइजर होता है ना वो अपने कस्टमर से कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछा करता है और बाद में जाकर जो कस्टमर्स हैं उनका जवाब दिया करते हैं। इससे क्या होता है, जो एडवर्टाइजर है ना उसको अपने प्रोडक्ट का जो रेस्पॉन्स या फीडबैक है वो भी मिल जाया करता है।
इसी तरह से 11 टेक्निक की बात करें तो वो है ब्राइब। ब्राइब का मतलब क्या होता है? रिश्वत वगैरह। लेकिन यहाँ पर कस्टमर्स को रिश्वत के रूप में एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा दिया जाता है मेन प्रोडक्ट के साथ में। इसी चीज को हम ब्राइब वाली टेक्निक कहा करते हैं। इन दिस टेक्निक द एडवर्टाइजर गिव समथिंग एक्स्ट्रा विद मेन प्रोडक्ट, जैसे बाय वन एंड गेट वन फ्री। तो इस तरह का लोगो या इस तरह का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपने कई प्रोडक्ट के साथ में देखा होगा। यदि हम बात करें 12th टेक्निक की तो वो है आइडियल फैमिली। इन दिस टेक्निक द एडवर्टाइजर शो दैट द फैमिली यूजिंग हिज प्रोडक्ट ऑलवेज बिकम्स हैप्पी। इस टेक्निक में जो एडवर्टाइजर होता है वो अपने एडवर्टाइजमेंट में ऐसी फैमिली को शो करता है, दिखाता है, जो कि हमेशा खुश रहती है। मतलब उसका कहना ये है कि अगर हमारा प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो आपका जो परिवार है वो बहुत ही खुश रहेगा। इसके लिए वो क्या करते हैं, दे शो वेल मैनेज्ड एंड प्रोटेक्टेड किड्स एंड स्वीट फैमिली मेंबर्स इन देयर एडवर्टाइजमेंट। और इसके लिए वो जो एडवर्टाइजर है वो अपने एडवर्टाइजमेंट में वेल बिहेव्ड और वेल मैनेज्ड बच्चों को दिखाया करता है। इसी के साथ में फैमिली को इस तरह से दिखाया जाता है कि लोगों को या कस्टमर्स को ये लगे कि ये काफी अच्छी स्वीट फैमिली है, जैसे लाइफ बॉय सोप वगैरह हो गए, डेटोल सोप वगैरह हो गए। तो ये अपने एडवर्टाइजमेंट में इसी तरह की फैमिली को शो किया करते हैं। अगर हम लास्ट टेक्निक की बात करें तो वो है 13th नंबर की टेक्निक और उसका नाम है बेटा सरोगेट एडवर्टाइजिंग। दिस एडवर्टाइजिंग इज यूज्ड टू एडवर्टाइज बैंड प्रोडक्ट्स। यह एडवर्टाइजमेंट ऐसे प्रोडक्ट का किया जाता है जो कि किसी देश में बैन किए गए हैं, मतलब उनके एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगी हुई है। तो एडवर्टाइजर क्या करते हैं, द एडवर्टाइजर यूजेस इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइज देयर मेन प्रोडक्ट, जैसे अल्कोहल वगैरह हो गए, सिगरेट वगैरह हो गई। तो इस तरह के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वो इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बैग पाइपर एंड ऑफिसर चॉइस, ये जो दो कंपनियां है ना वो वाइन्स या जो विस्की है वो बनाने का काम किया करती है, लेकिन वो अपनी वाइन विस्की इस तरह की चीजों का एडवर्टाइजमेंट तो नहीं करती। तो बैग पाइपर ने क्या किया, सोडा निकाल दिया। ऐसे ऑफिसर चॉइस ने क्या किया, जो प्लेइंग कार्ड्स आते हैं ना ताश पत्ते खेलने के, तो उन पर अपनी कंपनी का नाम लिखवा कर एडवर्टाइजमेंट किया करते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे ही जो कस्टमर है बैग पाइपर सोडा का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उनके दिमाग में डायरेक्टली बैग पाइपर वाइन के बारे में विचार आना शुरू हो जाते हैं और वो जाकर बैग पाइपर वाइन खरीद के ले आते हैं। तो इस तरह के इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं और इन्हीं इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट को हम सरोगेट एडवर्टाइजमेंट भी कहा करते हैं। उम्मीद है बेटा आपको एडवर्टाइजमेंट की जो अलग अलग टेक्निक्स थी वो अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।